Welcome, sir. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. Great. So please, sir, do have I a get a mic? Sure. Mic. We could do that. And after, let's say, a couple of questions, I'll probably sort of go and yeah. All good. Glory is yours. No, thank you. Appreciate it. All right. तो शुरू करते हैं. आई थिंक तो फ्लो ऐसा रखेंगे कि पहले कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूं और उसके बाद हम माइक को देंगे आपके हाथ में और आपको जो शूट करना है, जो पूछना है. आई थिंक ये अभी श्योर? एब्सोल्युटली 100%. प्लीज गो अहेड. ऑलराइट. सो सर, शुरू करते हैं. मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपके फादर आई थिंक हिंदी पढ़ाते थे. जी. वेरी हम्बल बैकग्राउंड. एंड सो वहां से व्हाट्स योर बैकग्राउंड, मतलब कल का जो परितोष है, जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. जो आपका इनिशियल था, क्या स्ट्रगल रहा है आपका और कहाँ से आप आते हो, तो उसका एक ग्रेट क्वेश्चन. तो सबसे पहले, बाय द वे, मैं दूसरी बार अलीगढ़ आया हूँ और पहली बार तब आया था जब स्कूल के बाद मुझे किसी ने कहा था, भाई एग्ज़ाम्स में आपको कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए. तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं पेपर देने आया था और अब दूसरी बार आया हूँ. एंड आई एम अमेज्ड, आई टेल यू व्हाई. आज पूरी दुनिया भर में जिस ताकत की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत, वो ये अ फैंटास्टिक मैसिव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच वन ऑफ यू. आज भारत क्यों बढ़ रहा है, वो कारण ये है, बिकॉज इतने सारे लोग एक्चुअली सीखने आए हैं. और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि समय आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और समय एक्चुअली सबसे ज़्यादा महंगा होता है, पैसे से भी ज़्यादा महंगा होता है समय. एंड आई प्रूव दैट टू यू ओवर टाइम. तो मेरा जीवन बड़ा सिंपल सा रहा है. मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ. मैं दिल्ली से हूँ. मेरे पिताजी ने 35 साल एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई. और ऑफ कोर्स एक मिडिल क्लास परिवार के जितने भी लोग होते हैं, आप सब लोग आई एम अज्यूमिंग लार्जली लोअर मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज तो होते नहीं, ज़्यादा पैसा कभी देखा नहीं होता लाइफ में, राइट? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारी बड़ी फाइट रहती है, पैसा बताना है, पैसा बताना है, पैसा बताना है, राइट? सो दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ यू नो ग्रो आवर सेल्फ, राइट? और तो मेरा भी काफ़ी सारा जीवन वैसे निकला. स्कूलिंग के बाद कॉलेज में आया और कॉलेज में आके मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली और मैं वो लर्निंग सबसे पहले आपसे शेयर करता हूँ. दैट लार्जली, और मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बाय द वे, मेरी बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो आपको लगेगा जनरलिस्ट हैं, होंगी नहीं, आपको समझाऊंगा क्यों. सो लार्जली कॉलेज इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम. मैं आपको बताऊंगा क्यों. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, भाई डिग्री ज़रूरी है, यू नो डिप्लोमा ज़रूरी है, एंड ऑल ऑफ दैट. ट्रस्ट मी, कॉलेज इज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम. अनलेस एंड अंटिल आप अपना समय इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ इनोवेट करने में, राइट? मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल से. तो परसों मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान के साथ बैठा हुआ था, एंड देन आई कम बैक टू माई लाइफ, कॉल सबीर भाटिया. सबीर भाटिया जी वो इंसान है जिन्होंने हॉटमेल इन्वेंट की थी आज से बहुत साल पहले, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था $400 million में, राइट? सबीर भाटिया और मैं IIT दिल्ली में थे एंड वो एक गेस्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे हमारे बिजनेस स्कूल के लिए. एंड आई विल टेल यू व्हाट वी डू. तो मेरे जीवन का जो स्टार्टिंग रहा वो अभाव का रहा. और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभाव एज इन बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते. तो हम बहुत मेहनत करना चाहते हैं रिसोर्सेज बनाने के लिए, हम मेहनत करना चाहते हैं पैसा बनाने के लिए. भाई सबको चाहिए बड़ी गाड़ी, घर, बंगला, राइट? एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन होता क्या है कि हम फाइट करते रह जाते हैं और वो चीज़ बिल्ड नहीं होती. तो मेरे जीवन में सर एक बहुत लंबा समय रहा जहाँ पे मैं बड़े बड़े लोगों के पास जाता था, गुड़गांव के बड़े बड़े ऑफिसेज में, और उनके ऑफिस के सामने कोई ऑडी, BMW, Porsche, वर कॉमन कार्स, राइट? और दिल्ली में मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, यू नो वाइल हमारा दूसरा घर था उस कॉलोनी का, जब वो पूरी जंगल थी, लेकिन आज उस कॉलोनी में एक एवरेज गाड़ी वुड बी अ BMW, लार्जली लाइक दैट, राइट? तो मैं अपने आप से एक सवाल किया करता था कि ऐसा इन लोगों को क्या पता है जो मुझे नहीं पता. कुछ तो इनको पता है, इनके पास पैसा है, कुछ तो है. और हमेशा मुझे एक चीज समझ आती थी कि यार ये सही है भाई, लाजली ऐसे लगता है जिसके पास पैसा है. अब यहां पे अगर मुकेश अंबानी जी खड़े होते तो आप लोग वो कुछ कहते तो आपको लगता बाई डिफॉल्ट सही है भाई, है ना? आपने नाम लिए राकेश झुनझुनवाला जी, ओम शांति, आपने नाम लिया वॉरेन बफेट, राइट? वो यहां पे आके कुछ ऐसे ही बोल जाए लाइक दैट, आप बोलोगे सही है भाई, भाई ने पैसा बनाया, सही होगा, राइट? झूठ थोड़ा बोलेगा ऐसे. लेकिन द फैक्ट इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आपको सिखाता हूं जिससे सर मेरी लाइफ बदली, राइट?
और लाइफ बदली एक इंपॉर्टेंट चीज से जिसका नाम है सवाल करना, क्वेश्चन। सवाल करो हर चीज को, सवाल करो हर चीज को, सवाल करो लिटरली। अगर आपके माता पिता कुछ कह रहे हैं भिड़ना नहीं है, लेकिन सवाल करो, राइट? हाँ, अब देखिए कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे, तो भाई बीवी को तो सवाल कर नहीं सकते बस वहां पे हार जाओगे, राइट? नो जोक्स अबाउट, बट सवाल करना सीखो। हमारे देश में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस इन आर एजुकेशन सिस्टम इज सिंपल, जिससे मैं निकला हूं, जिससे आप लोग निकले हैं, हमें सवाल करना सिखाया ही नहीं जाता। इनफैक्ट स्कूल में कितनी बार आप लोगों ने अपने किसी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ या हिस्ट्री ज्योग्राफी के लेक्चर में खड़े होकर बोला होगा, सर नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात, या मैम मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री विद यू, राइट? आई वांट टू क्वेश्चन इट, राइट? क्योंकि हमने क्वेश्चन करना नहीं सीखा, इसलिए सर आज एक दुविधा है, और वो ये है कि आज गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ओपन एआई, चैट जीपीटी एंड एवरी अदर थिंग इज इन्वेंटेड इन सिलिकॉन वैली। भारत में नहीं होती, हमारे यहाँ IITs हैं, NITs हैं, सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ हजारों युवा एस्पिरेशन ये लेकर चलते हैं कि हम कोटा में जाएंगे, अपने अपना जीवन बर्बाद करेंगे, लिटरली बर्बाद करेंगे, राइट? और क्यों? क्योंकि हमें IIT में जाके फोड़ना है यार, अरे मचा देंगे IIT में जाके, लिटरली लाइक दैट, राइट? लेकिन होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? 4 साल आप लगाते हो, यू नो, UPSC के एग्जाम के लिए इतने लोग तैयारी करते हैं, 6 लाख लोग तैयारी करते हैं, कितने चुने जाते हैं हर साल, 180। यू नो, आप लोग तो यहां पे स्टॉक्स की बात कर रहे थे, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो यहां पे, लिटरली, राइट? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें 6 लाख लोग अपना समय डाल रहे हैं और केवल 180 चुने जाएंगे, जो आपको पता है, व्हेन यू नो द आउटकम, लिटरली मैं उसमें अपना समय भी नहीं लगाऊंगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम। बट हम नहीं, क्योंकि हमें एक कहानी बताई गई है कि भाई जब लाल बत्ती मिल जाती है तो ताकत आ जाती है, राइट? सर मेरी जिंदगी यहां से बदली, मैंने अपने देश में रहकर हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू किया, मैंने शिक्षा को क्वेश्चन करना शुरू किया, मैंने इन्वेस्टमेंट को क्वेश्चन करना शुरू किया, मैंने हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू किया, और क्वेश्चन करते 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 मुझे एक बात समझ आ गई, आप आगे तब बढ़ोगे, सफलता आपको तब मिलेगी जब आप क्वेश्चन करने के बाद क्लैरिटी पाओगे, क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, और फिर उसके बाद हिम्मत होनी चाहिए भाई डिसीजन लेने की, वो बहुत जरूरी है, राइट? हिम्मत होनी चाहिए हर प्रकार का डिसीजन लेने की। अब मैं आपको बताता हूं सर, हाउ डिड माई लाइफ देन सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस? सो मैंने सबसे पहले डिसीजन ये लिया कि जो भी शिक्षा है ठीक है, जो स्कूलिंग है, कॉलेज है, ठीक है यार, ऑल कूल, लेकिन ये तो मुझे आगे नहीं बढ़ा सकती, दैट्स फॉर श्योर, तो जो करना होगा मुझे करना होगा, राइट? तो मैंने अपने कॉलेज के बाद, सबसे पहले हमारे कॉलेज में एक कंपनी, मैं उसका नाम नहीं दूंगा, इट्स अ ग्रेट स्टॉक दो, बट वो रिक्रूट करने आई थी, और तब हमें सैलरी दी गई थी 6,000 रुपये की महीने की, राइट? एंड 6,000 रुपये महीना कुछ भी नहीं होता, बाय द वे, आई मीन इट्स नथिंग एट ऑल, राइट? लेकिन उस समय बॉन्ड साइन करवा के वो सैलरी दी जाती थी, इट वॉज एन IT कंपनी, जस्ट टू लेट यू नो, राइट? सो बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ पे पता हो। सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल सर, मैंने वो छोड़ा और मैंने खुद एक IT कंपनी में बैंगलोर में अपना रिज्यूमे डाला, अपना इंटरव्यू दिया, और तब से लेकर आज तक मैं आपको एकदम कट द स्टोरी शॉर्ट करके बताऊंगा कि मैंने एक कंसिस्टेंट पैटर्न अपना बना लिया, क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद डिसीजन लेता हूं पूरी क्लैरिटी के साथ, और फिर हिम्मत रख के उस डिसीजन पर चल जाता हूं। दैट इज हाउ यू क्रिएट सक्सेस इन लाइफ। मैं तब से लेकर आज तक, मैं एक टीचर का बेटा हूं, टीचर का बेटा एंटरप्रेन्योर बनना नहीं सोच सकता लास्टली, ये मुश्किल होता है, राइट? अब आपके पास कोई बैकिंग नहीं होती, आपके पास 0 रुपए होते हैं, यू नो, पिताजी ऐसे नहीं कहते जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, राइट? तो ऐसे नहीं होता, राइट? वो फिल्मों में होता है बट असली जिंदगी में नहीं होता, और एंड इट इज वेरी टफ। आप जब शादीशुदा होते हो, राइट, यू हैव अ फैमिली टू सस्टेन एंड सो ऑन सपोर्ट, सो इट इज नॉट एज ईजी, राइट? सो तो मैंने क्या किया, मैंने 13 साल तक कंसल्टिंग की, सम ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज इन इंडिया, हाइक, मैसेंजर, जबोंग एंड पेयू, मैंने उनको कंसल्ट किया ग्रोथ रोल्स में, राइट? तो आपने ग्रोथ और वैल्यू की बात की थी, तो दैट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, राइट? तो ग्रोथ रोल्स में कंसल्ट किया, थोड़ा पैसा बनाया, लेकिन पैसा बनाने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जो मैं आप सब लोग करें, जितने भी लोग यहां पे इस कमरे में 40 साल से उम्र के कम के हैं, मतलब अभी 40 टच नहीं किया, लेट्स से, राइट? 40 के बियॉन्ड मैं प्रोबेबली अ डिफरेंट थिंग, बट 40 साल से अगर आप कम हैं तो एक काम कीजिएगा, एक चीज है जिसे हम भारतीय भाषा में कहते हैं सेवा, और
में उसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको जो भाषा समझ आया वो समझ लीजिए, सेवा, सेवा करो। सेवा करने का ये मतलब नहीं होता पैसा नहीं बनाना, सेवा करने का ये मतलब होता है कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करते रहो किसी भी अच्छी संगत में। नाउ लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, मैंने वही किया। जैसे जैसे मेरा करियर प्रोग्रेस होता गया, मुझे एक चीज समझ आ गई कि सफलता तो संगत से ही मिलेगी। संगत अगर अच्छी है तो सफलता मिलेगी, संगत अगर अच्छी नहीं है, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते इस दुनिया में। ये क्लियर है, इट इज 100% क्लियर। अब हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब सर हम कॉलेज में होते हैं ना, आपने बहुत सारे बायस बताए थे यहाँ पे, राइट? एंड आई वाज वेरी क्लीनली लिसनिंग टू इट, कन्फर्मेशन बायस, यू नो, एंकरिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि भारत में इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो कॉलेज में जनरली वो कूल गैंग होता है लड़कों का, लड़कियों का, हमें भी वो कूलनेस, हमें भी बाइक चाहिए होती है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो मेरे जीवन में एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि मैं कभी कूलनेस के पीछे नहीं भागा, राइट? सो आई वॉज कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट 100%। और उसके कारण ये भी हुआ कि मेरा आज कोई दोस्त नहीं, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। आई हैव एब्सोल्युटली जीरो फ्रेंड्स टू गो टू, एंड आई एम ओके विद दैट, राइट? वो इसलिए क्योंकि उससे मेरा समय बचता है। इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? और इसलिए मैंने कहा था समय सबसे क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज आज समय है। ये तब समझ आता है जब जीवन खत्म हो जाता है। आज सुनते हैं ना हम बहुत सारे लोग, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि 40 साल की उम्र में इंसान गया तो गया है ना, उसके बाद क्या करोगे, कुछ भी नहीं। तो एंड दैट्स वेयर आई सेड कि पारितोष पूरे जीवन भर भाई दो प्रिंसिपल्स ध्यान रखियो, सही संगत और समय की सही इन्वेस्टमेंट। अगर सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है, सही संगत प्लस समय की सही इन्वेस्टमेंट, आपको सफलता मिल जाएगी। ये क्लियर है, कोई भी हो, आप किसी भी तबके से आते हो, आप एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपके पिताजी कुछ भी नहीं कमाते, तो भी आप सफल हो जाओगे। सफल मतलब रियली सफल। मैंने जब ये करना शुरू किया तो सर मैंने बहुत सारे इवेंट्स में जाना शुरू किया, और आप लोगों को आज एक चीज बताता हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के काम आ जाए। जैसा मैंने कहा कि मैंने खुद स्टेप्स लेने शुरू किए, तो आज से बहुत साल पहले जब मेरे पास घर पे इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था, राइट? आज तो बहुत कुछ है। तो मैंने साइबर कैफे में जाके एक बार मैं गूगल सर्च कुछ कर रहा था, और मुझे एक नैसकॉम नाम की कम्युनिटी दिखी भारत देश की। और उस समय नैसकॉम ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कराता है, ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है, इंडस्ट्री बॉडी है, राइट? मुझे नहीं पता था वो क्या है, मुझे आई हैड जीरो आइडिया अबाउट दैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे ही मैंने रैंडमली वहां पे एक ईमेल आईडी दिखा, मैंने वहां पे एक ईमेल डाल दी कि मैं आपके इवेंट्स में आके ब्लॉगिंग करूंगा। ये तब की बात है जब ब्लॉगिंग वॉज नॉट एज बिग इन इंडिया। तो ध्यान से समझिए कि ट्रेंड्स की बात हुई थी, राइट? जब ट्रेंड कोई चल रहा होता है, आप में ताकत होनी चाहिए उसको पकड़ने की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब बताऊंगा क्यों। पहले अच्छा मेरा एक सवाल का ऑनेस्ट जवाब देना यहां पे, एकदम ऑनेस्टी से प्लीज। अगर झूठ बोलोगे तो यार अपने आप से बोलोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो आराम से चला जाऊंगा दिल्ली वापस, राइट? कितने लोग जेन्युइनली मेहनत करके सच्चाई से पैसा बनाना चाहते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ मनी? मतलब बैंक में एटलीस्ट, मतलब जीवन भर में 10-20 करोड़ रुपए होने चाहिए मेरे ख्याल से, होने चाहिए, राइट? फेयर इनफ, राइट? एंड बाय द वे यहां पे वील गेट दैट डन, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? अगर मैं कह रहा हूं तो मेरी हवाई बातें नहीं होंगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो तो मैंने एक बहुत सिंपल सा रूल अपनाया सर लाइफ में। मैंने नैसकॉम को लिखा कि मैं आपके लिए ब्लॉगिंग करूंगा और आप मुझे अपने इवेंट्स में फ्री में आने दो। क्यों? क्योंकि संगत चाहिए थी मुझे, है ना? पिताजी जिसके हिंदी के टीचर होते हैं उसकी क्या संगत होगी, कुछ भी नहीं लार्जली, राइट? इज्जत बड़ी कमाई, लेकिन अगर संगत नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी ना। एक उस मैथमेटिकल इक्वेशन का पार्ट वन ही नहीं है तो फिर आउटकम क्या निकलेगा, जीरो, है ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई आलू डालो सोना निकालो, वो मशीन तो है नहीं। सो द फैक्ट इज संगत मुझे कहाँ मिली, मुझे इवेंट्स में जाके मिली। बहुत सारे सॉलिड इवेंट्स में मैं बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू हुआ। पहले मेरा कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली जीरो था, मुझे डर लगता था कार्ड भी देने में कि यार मतलब वो सामने कोट पैंट पहना बंदा है, मैं छोटा सा इंसान, मैं क्या बोलूंगा यार उससे, राइट? क्या बताऊंगा मैं कौन हूं? तो मैंने एक सिंपल सी ट्रिक अपनाई, आई सेड कि मैं लाइव ब्लॉगर हूं। तो मैं बड़े बड़े इवेंट्स में जाता था, लाइव ब्लॉगिंग किया करता था, और लाइव ब्लॉगिंग से ना मेरी एक परसेप्शन बिल्ड हो गई मार्केट के अंदर धीरे। ऑफकोर्स मैंने वैल्यू डिलीवर की, ऐसा नहीं टाइम पास परसेप्शन बिल्ड हो गई, राइट? सो वैल्यू डिलीवर की और लोगों ने जेन्युइनली अप्रिशिएट करना शुरू किया दैट दिस गाय अंडरस्टैंड्स द इंटरनेट, राइट? तो होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे ट्रेंड के साथ कुछ करना शुरू करते हो और एक्शन लेते हो ना सही संगत में रह के, तो आपकी परसेप्शन बिल्ड होती है, आपके अराउंड कहानी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली
कोई एक ऐसी मैं इनको चीज बोलने वाला हूं सर जो शायद आपसे अग्री ना हो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बहुत सच्चाई से बताना चाहता हूं एक अपनी बात। ये प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग है लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या वो राकेश झुनझुनवाला हो, स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपसे यू नो क्यों नहीं कर सकता, आई टेल यू व्हाई। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन इस 250-300 लोगों के रूम में इतना इंटेलिजेंट है जो इसका सही जवाब देगा। आज के जमाने में मैं आज से 10 साल पहले नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं राइट नाउ, पैसा बनता कैसे है? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स मनी एक्चुअली? मेहनत से नहीं बनता, मुझे मेहनत आंसर मत देना। हाँ, रिस्क बाय सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम, ओके ओके, नहीं नहीं, बट स्टिल और कुछ, पेशेंस, कंपाउंडिंग, लर्निंग। आप बहुत पास आ चुके हैं उस आंसर के, थोड़ा और दिमाग लगाओ। डिलीवरिंग, परफेक्शन, प्रोवाइडिंग वैल्यू, सेल्स, ओके ठीक है। तो सॉरी, इनोवेशन, जिसने भी लर्निंग बोला है ना, आप लोग बहुत पास हो, यू आर देयर। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं लर्निंग, नॉलेज और फेयर इनफ एनालिसिस, राइट, सो बिजनेस एनालिसिस, मेंटल एनालिसिस, ऑल ऑफ दैट, अंडरस्टैंडिंग, मैं इन सबको ना ऐड कर देता हूं, लार्जली लर्निंग वालों को ऐड करता हूं। तो एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। सर ने जो यहां पर प्रेजेंटेशन दिखाई आपको, उसमें क्या दी इंफॉर्मेशन है तो दी थी। सर ने एक बात और बोली कि भाई मैं बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम खरीदो ना खरीदो, ये तुम्हारे ऊपर है, राइट, मैं तो तुम्हें इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं। नाउ रियलाइज दिस, आप लोगों को इस मोमेंट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज करना है। इमेजिन ग्रो एज अ कंपनी, एंड आई एम नॉट फ्रॉम ग्रो, आई बाय द वे आई यूज ग्रो ऐप, राइट, माई सेल्फ, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग, आई हैव नॉट बीन, मुझे पैसा नहीं मिला ये बोलने का, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ओके। सो द फैक्ट इज दिस कि इंफॉर्मेशन डिलीवर करके आज ग्रो एक मल्टी मिलियन डॉलर वैल्यूएशन या बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, आई डोंट नो, का बिजनेस है। इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है, इंफॉर्मेशन के पीछे एक टूल है, वो तो एक ऐप है, वो तो एक टूल है, लेकिन वैल्यू कहां क्रिएट हो रही है? आप यहां पे क्या लेने आए हो? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का मतलब यह होता है कि ये जो डिलीवर कर रहे हैं और जो आपके पास है उसके बीच का जो गैप है वहां पैसा बनता है। दिस इज मैजिक। मेहनत करके आज के समय में पैसा कोई नहीं बनाता। अगर मेहनत करके कोई पैसा बनाता तो मजदूर आज मल्टी मिलियनेयर होता और हम उसके वहां काम कर रहे होते। दिस इज ट्रू, ये सच है, राइट? दो पैसे बनाते हैं या मजदूर या गधा, लार्जली भाई मेहनत दिन रात करते हैं, ये मजाक की बात नहीं है। हम ना बना रहे होते, हम क्यों आज एसी हॉल में बैठे हैं? ऐसा क्या है हमारे पास जो उनके पास नहीं है? वो एक चीज है और वो है इंफॉर्मेशन। इस मोमेंट को ना लिटरली, कभी आपने ऐसा, वो मैं फिल्में नहीं देखता हूं लेकिन इमेजिन करो मेरे साथ कि ये मोमेंट एकदम फ्रीज हो गए, टाइम में फ्रीज हो गए, 3 सेकेंड, फ्रीज योर सेल्फ, आई बी क्वाइट फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, आई टेल यू मैं ये क्यों चाहता हूं। आप लोग ना इस मोमेंट को ध्यान रखना हमेशा के लिए, पैसा बनता है इंफॉर्मेशन गैप को फुलफिल करके। अगर आपके पास सर या आपके पास मैम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या आपके पास सर या आपके पास मैम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी और के लिए, मैंने कहा ना शब्दों को प्लस करेंगे अभी, वैल्यू क्रिएट कर पाए, राइट, आपकी कहानी फिर आपके लिए एक्सपोनेंशियल पैसा क्रिएट कर सकती है। मतलब फिर आप में वो ताकत है कि इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए किसी और को, आपने इंफॉर्मेशन दी, ग्रेट, इंफॉर्मेशन देकर कितनी अच्छी आप उसकी कहानी बता सकते हैं फिर अपने कस्टमर को, नॉलेज से, लर्निंग से, राइट, सच दैट सेम उसी चीज का हो सकता है कोई 100 रुपए ले रहा हो और सेम उसी चीज का आप उसे 10,000 रुपए चार्ज करें। इट्स नॉट अ जोक, ऐसे बनता है पैसा। दिस इज हाउ मनी इज मेड, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल दे दूं आपको, एयरलाइन की कुछ टिकट अगर आप 2 महीने पहले कराओ सस्ती पड़ती है, जैसे 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 पास आती जाती है डेट महंगी क्यों हो जाती है? सीट तो वही है, हवाई जहाज तो वही उड़ेगा, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करेगा, उतना ही तेल लगेगा, सीट क्यों महंगी हुई? इट वॉज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन।
इफ यू हैड द राइट इंफॉर्मेशन कि किस समय कौन सा सेक्टर सबसे सस्ता अवेलेबल है, आप टिकट बुक करा के रख सकते हो। तो मतलब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही समय पे अवेलेबल है तो क्या होगा भाई, आप कम कॉस्ट में कोई चीज खरीद पाओगे। धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, यही तो होता है, कम कॉस्ट में खरीदो महंगे में बेचो। प्रॉफिट तो वहीं पे बनता है ना यार, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं कम पे खरीद रहा हूं ज्यादा पे बेच रहा हूं। स्टॉक में फायदा कहां होता है, कम पे खरीदा ज्यादा में बेचा, यही होता है ना भाई, लार्जर थॉट प्रोसेस। बस वहीं तो आप लोग जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, जो आज भारत देश नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको मैं समझा के आई एम पुटिंग इन माई लेवल बेस्ट, जो मैं समझ पाया अपने जीवन में, जो शायद मेरे पिताजी नहीं समझ पाए, एंड दैट्स ओके, उनका अपना एक जीवन है, इट्स फाइन। वो है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। अगर मेरे पिताजी ये समझ जाते, मैं आप लोगों को बताता हूं, और उस टाइम मेरे पिताजी ये शायद वीडियो देखें भी, अगर वो ये समझ जाते कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मतलब वो हिंदी पढ़ाते हैं, और आने वाले समय में इंग्लिश भाषा को, क्योंकि इंग्लिश एक लार्जर कॉमन लैंग्वेज हो गई है ना, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई आजकल, तो हिंदी को वर्नाक्यूलर बोल दिया जाएगा, जबकि हिंदी हमारी भाषा है, अपने देश में ही हम उसको वर्नाक्यूलर बोल देंगे। तो सोचो इंग्लिश का कंटेंट हिंदी में कन्वर्ट करने का आज बहुत पैसा मिलता है, मिलता है, और आजकल तो AI टूल्स के कारण आप वैसे भी कर सकते हो, राइट। अगर मेरे पिताजी को ये पता होता तो वो हिंदी का टीचर आज करोड़पति होता, ये मजाक नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं लगाया, वो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं समझ पाए, एंड दैट इज व्हाई ही रिमेंड अ टीचर, एंड दैट्स ओके। आप लोगों का दिमाग मैं इसी मोमेंट में खोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग यहीं खुला कि पारितोष तेरे पास ऐसी कौन, अब क्वेश्चन मैंने कहा ना क्वेश्चन करो, तो मैंने अपने आप से सवाल किया, पारितोष तेरे पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो दुनिया के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, जिसका दुनिया तुझे पैसा देगी। अब सेकंड स्टेज पर लेकर जाता हूं मैं सर के एक ही क्वेश्चन पे आज सारी कहानी कर दूंगा, सो आई एम सो सॉरी, बट दूसरे, सो जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे प्रोग्रेस होती गई, फिर मैंने अपने आप से दूसरे लेवल का क्वेश्चन किया। देखो जब आप एक लेवल ऊपर पहुंच जाते हो, थोड़ा बैंक में पैसा आ जाता है, तो ऑफकोर्स यू मस्ट स्टार्ट आस्किंग बेटर क्वेश्चंस, दैट्स द होल पॉइंट, है ना। अगर आप वही पुराने घिसे पिटे सवाल करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा यार आपका, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने नेक्स्ट लेवल का सवाल ये कि पारितोष तेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कुछ ऐसा बिल्ड कर जिसके कारण तेरी जरूरत ना पड़े और पैसा अपने आप बने। एंड मैं यहां पे कोई जोक नहीं कर रहा हूं, बाय द वे आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, कुछ विश्वास आपके साथ जनरेट करने के लिए, मेरी लास्ट स्टार्टअप जो फेल हुई वॉज एक्सेलरेटेड इन सिलिकन वैली बाय इंटेल एंड बर्कली, और आप में से कुछ लोगों ने, मैं बहुत हम्बली ये बात कहना चाहता हूं, शायद आपने मुझे, कुछ लोगों ने शायद टेलीविजन पर कभी देखा हो, दूरदर्शन पर मेरा एक शो आता है कॉल स्टार्टअप चैंपियंस, जिसको लॉन्च किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जहाँ पे मैं भारत देश की टॉप स्टार्टअप्स को इंटरव्यू भी करता हूँ और उनके बारे में एक्चुअली लर्निंग फॉर्मेट में आपको सिखाता हूँ कि उनसे आप क्या सीख सकते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या सीख सकते हैं, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या सीख सकते हैं, वो कैसे प्रोडक्ट में इनोवेट कर रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो तो आप लोग दूरदर्शन यू नो बहुत सारे लोग नहीं देखते, प्राइवेट चैनल्स ट्रस्ट मी डोंट गो देयर, राइट। आप लोग यूट्यूब पे जाइए, वो शो देखिए, यू लाइक एंजॉय इट। बट कमिंग बैक, सो मैंने जब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो क्वेश्चन एक पूछा कि पारितोष तेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो कोई ऐसा सिस्टम बना, ऐसा प्रोसेस बना जिससे पैसा बने। अब बाय द वे मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे अग्री करता हूं कि लर्निंग जरूरी है, लर्निंग के बिना पैसा नहीं बन सकता। ये क्यों नहीं, अरे वही बात हो गई ना भाई, अगर मेरे पिताजी ने लर्निंग की होती और इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज पहले जाना होता तो वो हिंदी टीचर आज करोड़पति होता। क्यों नहीं हुआ, लर्निंग नहीं की नेक्स्ट लेवल की, सिंपल। सो नेक्स्ट लेवल की लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी, अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर आप यहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जा सकते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं एक टीचर हूं, मैं आपको समझाऊंगा मैं कैसे हूं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अपना भी नहीं, है ना। भारत देश में हम लोग ना जनरली अच्छाई में बहुत, हाँ यार तू मेरा दोस्त है, चल कोई नहीं यार, ना आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम वेरी अपफ्रंट एंड वेरी स्ट्रेट, यू आर हेयर टू लर्न ग्रेट, यू नॉट हेयर टू लर्न प्लीज गेट द हेक आउट, आई मीन इट्स दैट सिंपल, राइट। क्योंकि जीवन वैल्यूएबल है इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज मेरी बात को ईगो पर मत लीजिएगा, जीवन वैल्यूएबल है ना। तो मैंने अपने आप से यह सवाल किया कि पारितोष सिस्टम क्या बनाया जाए, तो जब यह सवाल किया, इस सवाल से एक और जुड़ा सवाल होता है, मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं,
फ्रेमवर्क सीढ़ियों की तरह होता है। जैसे मान लो आपको ऊपर जाना है तो ऊपर ऊपर मतलब एक फ्लोर ऊपर जाना है ऊपर तो सभी को जाना है, लेकिन एक फ्लोर ऊपर जाना है मान लीजिए, तो दो ही तरीके होते हैं भाई, सीढ़ियाँ हो या लिफ्ट हो। लिफ्ट और सीढ़ियाँ ही होती है ना, और तो या रस्सी कूद, मतलब ऑफकोर्स तरीके डिफरेंट हो सकते हैं बट लार्जली सीढ़ियाँ और लिफ्ट है ना। अब सीढ़ियाँ और लिफ्ट क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक काम करने का फ्रेमवर्क है, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है, या बटन दबाओ और लिफ्ट आपको ऊपर ले जाए, वो फ्रेमवर्क है। गॉट इट? है ना। सो हर चीज को जब भी आपको लर्निंग करनी हो अपनी लाइफ में, क्वेश्चन करो कि फ्रेमवर्क मेरे पास क्या अवेलेबल है। फ्रेमवर्क ना आपके दिमाग में लर्निंग ठोस कर एकदम अंदर डाल देगी आपके। तो मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं, इसको या तो नोट कर लीजिए वरना रिकॉर्ड हो रहा है आपको मिल ही जाएगा, आई एम होपिंग इनके यूट्यूब चैनल पे या जहां पे भी, राइट? QIA, एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, QIA, है ना। सो क्यू का मतलब है क्वेश्चन, सवाल करो बाहर की चीजों को। जैसे अच्छे सवाल करो, इतना पॉल्यूशन क्यों है भाई? अगर थोड़ी सी बारिश आज हो गई तो सड़कों पे इतने गड्ढे क्यों है, इतना पानी क्यों है? हमारे देश में जिंदगी की इतनी कम कीमत है कि आज कोई, और मुझे बहुत दुख हो रहा था बाय द वे जब मैं यहां पे आ रहा था, दिल्ली में भी और अलीगढ़ में भी, बाइक पे एक आदमी, उसकी वाइफ, बच्चा, मतलब मुझे डर था कि कब उनकी बाइक गड्ढे में गिर जाए और कब कुछ एक्सीडेंट हो जाए। ये कीमत है जीवन की? हाउ सैड इज दैट? एंड आई एम नॉट किडिंग यू, हाउ सैड इज दैट? पता है ये क्यों है? क्योंकि हम सवाल नहीं करते अपने लीडर से, हम सवाल नहीं करते अपने MLA से, अपने MP से, अपने मिनिस्टर से। इसलिए कह रहा हूं सवाल करो, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो वो गिरेगी वो बाइक गड्ढे में। गड्ढे तो कॉमन से हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते कि इलेक्शन से पहले भरी जाएंगे ना, क्यों? Why? This should not happen. 140 करोड़ की आबादी के देश में this should not happen. हम देंगे ना टैक्सेस, लेकिन उसकी वैल्यू तो दो वापस यार। क्यों नहीं मिलती वैल्यू? सवाल नहीं करते। और जब तक नहीं करोगे तब तक क्या होगा? 6 लाख लोग एग्जाम देंगे, कल को 10 लाख देंगे, 180 चुने जाएंगे और आप लगे रहोगे। भीड़ है ना, भीड़ को कहीं तो मस्ती चाहिए, एंगेजमेंट तो चाहिए, इसलिए आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट की जाती है। आज मैं आपको वो असलियत बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं खुल के बताता हूं। आई टेल यू मैं क्यों बताता हूं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरे परिवार में सब टीचर्स हैं, मेरी वाइफ के परिवार में सारे आर्म फोर्सेस में हैं, सारे इस देश के लिए। मेरी वाइफ के परिवार में लोगों ने अपनी जान दी है और मेरे परिवार ने पढ़ाया है, तो मैं खुल के बोलता हूं, डर के नहीं बोलता, और खुल के सवाल करता हूं कि ऐसा क्यों? जब मैं टैक्स दे रहा हूं तो ऐसा क्यों है? Why so? तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा अच्छा सवाल किया, QIA फ्रेमवर्क से आपको समझाऊंगा, मैंने एक अच्छा सवाल किया कि शिक्षा हमारे देश में इतनी महंगी क्यों है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, नो? राइट? आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, नॉर्मल वो अंडर ग्रेड जो होती है 5-7 लाख की होती है, और जब आप थोड़ा पोस्ट ग्रेड लेवल पर चले जाओगे तो 5 लाख रुपए से लेकर, मैं MBA की बात करता हूं मान लीजिए, 5 लाख रुपए से लेकर मैंने 45 लाख रुपए की MBA देखी है इस देश में। अब आपसे एक सवाल करता हूं, देखते हैं आप कितने लोग स्टंप होंगे। सर आपने राहुल द्रविड़ की बात की थी ना, मैं भी एक, मुझे क्रिकेट बड़ा पसंद है, तो आप देखते हैं कितने लोग यहां पे, ऐसी मैं धोनी की तरह स्टंप करूंगा आपको पीछे से, अभी देखना। आपको पता है IIT दिल्ली तो पता है यार, अच्छा इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, सॉलिड लोग निकलते हैं IIT दिल्ली से। तो IIT दिल्ली में जो, बाय द वे उनका एक मैनेजमेंट स्कूल है और उनकी MBA की जो फीस है सर वो है करीब 7 लाख रुपए, राइट? IIM अहमदाबाद में सेम चीज की फीस है 25 लाख रुपए और ISB हैदराबाद या ISB एट लार्ज मोहाली में फीस है 45 लाख रुपए। तो क्या IIT दिल्ली जो पढ़ा रहे हैं वो कूड़ा है? हो गए स्टंप? कुछ लोगों ने बोला नहीं, बाकी सब सोच में पड़ गए कि यार सेम चीज 45 लाख की मिल रही है, सेम चीज 25 लाख की मिल रही है IIT दिल्ली में, सेम चीज 6-8 लाख की मिल रही है, ऐसा क्यों है? ना, अच्छा क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं, इसका आंसर मत दो, मैं आप लोगों का पैटर्न तोड़ना चाहता हूं अभी। मैं चाहता हूं आप सवाल करो ऐसा क्यों, और फिर सवाल करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं इस फ्रेमवर्क में। आई इज इंट्रोस्पेक्शन, पहले किया क्वेश्चन फिर किया इंट्रोस्पेक्शन। बोल दो यार, मतलब मुंह से आवाज निकाल लो, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, एब्सोल्यूटली जान होनी चाहिए अंदर बोलने की यार, राइट? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आप से सवाल करो। पहले बाहर से सवाल किया, इकोसिस्टम से सवाल किया, फिर अपने आप से सवाल किया।
अपने आप से मतलब क्या ये प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेरे पास एनर्जी है, स्किल्स हैं, ताकत है, रिसोर्सेज हैं, या अगर मेरे पास वो स्किल नहीं है तो क्या मैं जनरेट कर सकता हूं? मान लीजिए मुझे नहीं आता, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है मेरे पास, क्या मैं सर के पास जाके सीख सकता हूं? राइट सो सर होता क्या है कि ये ऑब्वियस लगता है बट है नहीं सर, वो पता है क्यों नहीं है? अगर इतना ऑब्वियस होता ना सर, आज हमारे देश में आज हम डिग्री और डिप्लोमा के पीछे ना भाग रहे होते सर हम सारे। और हो क्या रहा है कि हम डिग्री और डिप्लोमा के पीछे क्यों भागते हैं भाई? क्या मिलता है एंड में? नौकरी, जो आज जा रही है, साफ सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियरली सेज एंड ये प्रूवन है यार, लोगों की जरूरत ही नहीं है आज, लोगों की जरूरत है ही नहीं यहां पे। मतलब मैं सॉरी, मैं किसी को बोल नहीं रहा, यहां पे कैमरामैन साहब कैमरे के पीछे खड़े हैं, एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर लिख सकता हूं जिसमें कोई जरूरत नहीं है कैमरामैन साहब की। मैं बताता हूं क्यों। मान लीजिए कि आज मेरे कोट में या मेरी इस जैकेट में मैं एक सेंसर फिट कर दूं, सिंपल इतना सा सेंसर होगा, इतना सा मतलब नाखून जितना भी नहीं होगा, और उस कैमरे में रिसीवर होगा उस सेंसर का, जहां जहां मैं जाऊंगा, जहां हिलूंगा, कैमरा मुझे फॉलो करेगा, तो सर की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं आपको नहीं कह रहा बट एक्चुअली इनकी जरूरत नहीं है। जब आप यूएस में जाओगे तो वहां पे ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी है, वहां पे ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो इंसान की जब जरूरत ही नहीं है तो आप कौन सी नौकरी के पीछे भाग रहे हो? एंड बाय द वे सच्चाई है, और आज अब आपको दुविधा बताता हूं जो आपको प्लीज पूछनी चाहिए अपने आप से, अपने माता पिता से, इस सोसाइटी से, इस संसार से। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश है, हाँ या ना? है ना, चाइना को भी पीछे छोड़ गए, जिस चीज में छोड़ना चाहिए था उसमें छोड़ा नहीं, जिसमें नहीं छोड़ना चाहिए था उसमें छोड़ गए, है ना। अब आपको दुविधा बताता हूं मेरे दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ युवा हैं। युवा की डेफिनेशन होती है लार्जली, मैं कह रहा हूं 40 साल से नीचे, इसलिए मैंने पूछा था 40 से लेस पहले जब सेशन शुरू किया था, राइट। तो मेरे भाई 40 साल से कम के अगर करीब 50 करोड़ लोग हैं, इतने लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी मुझे ये बता दो। अगर किसी में दम है इस पूरे कमरे में मुझे एक्सप्लेन कर दे प्लीज। मैंने इस देश के जाने माने, देश से बाहर जाने माने सबसे मैंने सवाल कर दिया, किसी के पास सीधा जवाब नहीं है मुझे। अगर आप लोगों में हो सकता है कोई बहुत बड़ा तोप हो यार जो इसका जवाब दे दे, नहीं दे पाओगे क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है। इतने लोगों को नौकरी मिल ही नहीं सकती, नहीं मिल सकती, इट इज़ फंडामेंटली इम्पॉसिबल। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं मिल सकती, आपने मोनोपोली और रेलवेज की बात की थी, 15 IRCTC तो खोल नहीं दोगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कितने लोगों को कहाँ फिट करोगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? सारे तो खेती में नहीं लग जाएंगे, सारे आराम से बैठ के आ हा 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 तो चिल करूंगा मैं, वो तो होगा नहीं। क्या करोगे फिर लाइफ में? आई कम टू दैट, क्या करोगी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, नो? है ना, आप देखो कमरे में कैसे वो जूम 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 बातें शुरू हो गई कि यार अब क्या करेंगे, किसी के पास जवाब नहीं है इसका। जब मैंने अपने आप से ये सवाल किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, फिर अब आप लोगों को बताता हूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अपने करियर के बारे में, मैं करियर में क्या करूं, मेरे लिए क्या सही दिशा है, व्हाट शुड आई डू, है ना। हम लोग करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमें बताओ, कंसल्ट करो, मेरे लिए क्या सही है। मैं आपको बताता हूं आपके लिए क्या सही है, आपके पास जवाब अपने पास है, आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। इंट्रोस्पेक्ट करो कि प्रॉब्लम्स कौन सी हैं देश में, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट किया, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं या सकती हूं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। जैसे मुझे लगा कि मैं शिक्षा की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूं, मुझ में वो एबिलिटी है, तो मैंने शिक्षा की प्रॉब्लम को ले लिया। मैंने जोश में आके ये नहीं बोला कि मैं भी फिनटेक कंपनी बना सकता हूं, हाँ मैं भी IIT दिल्ली में लोगों को हायर करके एक ऐसी ऐप खड़ी कर सकता हूं, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, बट द पॉइंट इज ये मेरा कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, मैं आई एम नॉट, ये मेरा पर्पज नहीं है लाइफ का। मेरा पर्पज लाइफ का यह है कि एक मैसिव प्रॉब्लम जो आज देश जिससे जूझ रहा है, जिसकी कोई कितने टीवी चैनल्स में इसकी बात होती है, एक बताओ मुझे किस टीवी चैनल में प्राइम टाइम में रात को ये डिबेट होती है, एक में नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान रोज होती है, क्यों? क्योंकि सबको मजा आता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए प्लीज, आप लोगों से मैं एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, प्लीज एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अपने लिए नहीं सुनना तो अपने बच्चों के लिए सुन लो, अपने फ्यूचर के लिए सुन लो। जब अंग्रेज ये बोलते हैं ना दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ, वो सांप और सपेरों की जमीन है,
यू नो व्हाट डू दे मीन, प्लीज हंसिएगा मत, अगर हंसोगे तो अपने ऊपर हंसोगे, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। हमारे देश में ना तीन चीजें बहुत फंडामेंटल है, लर्निंग, अर्निंग पैसा कमाना है, और तीसरा है एंटरटेनमेंट। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहता हूं, एंटरटेनमेंट से दूर हो जाओ। अगर जीवन में कुछ भी करना चाहते हो ना तो एंटरटेनमेंट से दूर हो जाओ। आज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ हैज बिकम एंटरटेनमेंट। जो रोज फीड को स्क्रॉल करते हो ना अपनी बैठ बैठ कर, वो एंटरटेनमेंट है, जिससे आप कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे। बाय द वे मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये मोबाइल फोन जो सामने मैंने ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है, मैं अपना सेशन खुद भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मोबाइल फोन जो मैंने लगाया हुआ है ना, सिर्फ इस मोबाइल फोन ने पिछले एक साल में, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, बट केवल इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके और एक लैपटॉप का इस्तेमाल करके और मेरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके और ये माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करके, मैंने विद ड्यू ह्यूमिलिटी मैंने कुछ पैसा बनाया है, राइट? तो नो, आई मेड सम मनी, राइट? बट मैं आपको क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग की बत्ती जब जल जाए इंसान की, जब वो इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दे, तो वो केवल सामने पड़े अपनी जेब में पड़े रिसोर्स से पैसा बना सकता है। लेकिन यह जलने की बात है, हम क्या करते हैं, हम धक्के खाते हैं। क्यों धक्के खाते हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज पता ही नहीं अपने को, राइट? आप ध्यान से समझिए इस बात को, क्यों आई इंट्रोस्पेक्ट किया। मैं चाहता हूं कि आप लोग रोज अपने आप से यह सवाल करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। सर ने आज एक बड़ी अमेजिंग चीज बताई थी इस प्रेजेंटेशन में, चेकलिस्ट बनाओ। आप आज एक काम कीजिएगा, अपने घर जब जाएंगे, घर वालों के साथ बैठकर, और अगर नहीं है वो संगत घर वालों की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने कमरे में प्लीज जाइए, एक व्हाइट बोर्ड लगाइए या अपनी डायरी के अंदर एक चेकलिस्ट बनाइए, बड़े बड़े सवाल पूछना शुरू करो अपने आप से, बड़े सवाल, डरावने सवाल। पॉल्यूशन इतना ज्यादा क्यों है? मेरे शहर में मेरे होते हुए इतने गड्ढे क्यों है? लोग बीमारी से मरते क्यों है? लोगों को सही समय पर दवाई क्यों नहीं मिल पाती? शिक्षा सस्ती क्यों नहीं हो सकती इस देश के अंदर? इंपॉर्टेंट सवाल पूछो, ठीक है? सवाल पूछने के बाद क्यों हो गया, फिर आई इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप से सवाल करो, गॉट इट? कि मैं इसमें से किस चीज के लिए पैशनेट हूं, डेड पैशनेट हूं, डेड पैशनेट एकदम, मतलब संसार क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है, कर्म क्या कह रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है और मुझे सॉल्व करनी है, गॉट इट? उसके बाद फाइनल स्टेप आता है क्यू आई ए, एक आता है ए फॉर एक्शन होता है, तो क्वेश्चन, इंट्रोस्पेक्शन, एक्शन। एक्शन लो, एक्शन कैसे लोगे? पहला स्टेप लो, मैंने क्या किया, जब मैंने ये सवाल पूछा अपने आप से कि शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी क्यों है इस देश के अंदर, तो एक सवाल आया, एक आंसर आया अंदर से कि यार एक कारण से है। आपको बताता हूं क्या कारण है, आप में से, और प्लीज ऑनेस्टी से आंसर दीजिएगा एज आई ऑलवेज से, आप में से कितने लोगों ने अभी तक एजुकेशन के लिए लोन लिया है जीवन में, कोई भी एजुकेशन लेने के लिए लोन लिया है? प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बी ऑन, इट्स ओके यार, अगर लिया है तो लिया है, ठीक है, ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो शिक्षा के लिए कितने लोगों ने लोन लिया है, और जितने लोगों ने लोन नहीं लिया उन लोगों ने शिक्षा को फिर फंड कैसे किया? क्या आपके पिताजी ने अपनी कोई जमीन बेची, आपकी माताजी ने अपनी कोई ज्वेलरी बेची, किसी के साथ ऐसा कोई केस तो नहीं है? सॉरी, ये क्या होता है? अच्छा, एएमयू, आई थॉट यू आपसे, आप कह रहे हो पीएमयू, ओके, फेयर फेयर एनफ। तो आपको स्कॉलरशिप मिल गई थी, फेयर एनफ, फेयर एनफ, ठीक है, गाइस 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 गाइस, कम बैक कम बैक कम बैक, फेयर एनफ, फेयर एनफ। अब आपको अगर वहां पे या तो स्कॉलरशिप मिली है या फिर, फोक्स थैंक यू, आपको या तो स्कॉलरशिप मिली है या फिर आपको बहुत सब्सिडाइज एजुकेशन मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि कोई टैक्स दे रहा है। इस बात की इज्जत करो, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा पड़ा है, वो टैक्स दे रहा है। और दुख की बात है कि इस देश में केवल 7% जनता टैक्स देती है, सच्चाई से, राइट? ये दुख है और बहुत मेजर दुख है ये। उस 7% जनता के कारण आज किसी को, फोक्स, भाई लोग देखो, बहुत सिंपल है यार, अगर आप बोलोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ही कुछ ऐसा मिस कर दोगे जो शायद मेरे जीवन से आप सीखकर कुछ आगे बढ़ सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना? सो ट्राई एंड गिव रिस्पेक्ट, जितना दोगे, मैंने कहा ना सेवा करोगे, जितना दोगे मिलेगा वापस ऑटोमेटिकली, इट जस्ट वर्क्स आउट ऑटोमेटिकली, राइट? सो कोई टैक्स दे रहा है उसका, जिसके कारण आपको सब्सिडाइज एजुकेशन मिली,
तो मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ, सब्सिडाइज एजुकेशन तो ले ली, उसके बाद क्या उखाड़ दिया लाइफ में यार? कौन सी मिसाइल बना दी? कितना इस देश को आगे बढ़ा दिया? अगर बढ़ा दिया होता तो आज इस रूम में ना बैठे होते। सच बोल रहा हूँ, हाँ या ना? लगी चोट दिल पे। इसलिए प्लीज प्लीज, जो चीज़ मिली है ना उसको प्रिविलेज मानो, क्योंकि कोई ना कोई तो उसको फंड कर रहा है बैठकर। आपको नहीं पता किसी टीचर ने अपने जीवन के 35 साल हिंदी पढ़ाई होगी, उसने सरकार को पैसा दिया होगा, उसकी कमाई के कारण आज आपको एजुकेशन मिली, सस्ती एजुकेशन मिली। लेकिन आज भारत देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिसके माँ बाप को लोन लेना पड़ता है, किसी की माँ को अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, किसी के पिताजी को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपने बेटे की अपनी बेटी की एजुकेशन फंड करनी पड़ती है। आज भारत में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको अगर स्टैनफर्ड जाना हो या हार्वर्ड जाना हो, जहाँ पे ढाई चलो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मे बी 1.5 से 2 करोड़ रुपये की टोटल लागत आएगी वो काम करने में, जो हम में से कोई नहीं कर सकता। सो मुझे ये प्रॉब्लम दिख गई एंड मैंने कहा मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। कैसे करूँगा? अब आप लोगों को बस मैं अपनी आखिरी चीज़ दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने जो सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा था ना आपको बता दूंगा कि पैसा कैसे बनता है। अब वो मोमेंट आ गया कि पैसा बनता कैसे है। तो मैंने आज से ठीक 2 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ी, और एंड बाय द वे आई वाज डूइंग वेरी वेल, लाइक वेरी वेल, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप लोग बोलेंगे वाह यार क्या मस्त लाइफ है, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है लाइफ के अंदर, राइट? एंड नौकरी छोड़कर मुझे एक बात समझ आ गई थी, क्योंकि मैं यूएस से जब वापस आया था इंडिया, तो यूएस में ना वो लोग स्केल सोचते हैं, वो किसी भी चीज़ को स्केल पे करने की बात करते हैं। और तभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस में सर्विसेज कंपनीज बहुत कम होती हैं, वहां पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, राइट? ग्रो आज इसलिए ग्रो कर रहा है बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट। आज 1 लाख लोग इनकी ऐप डाउनलोड करें या 1 करोड़ या 50 करोड़ या 500 करोड़, इनको फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ प्रोडक्ट दैट कैन स्केल। तो यूएस से मैं सीख कर आया स्केल, और मैंने सोचा कि क्या मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, क्योंकि आज मेरे देश में लार्जली हर एक के पास मोबाइल फोन है, 15-20 हज़ार रुपए का मोबाइल फोन हर एक की जेब में आजकल, हर एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी है, ऑटो चलाने वाले के पास भी, एवरीवन हैज अ मोबाइल फोन, राइट? अब फर्क इस बात का है कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस बात के लिए करते हो। भैया आप फालतू यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हो, स्क्रॉल पर स्क्रॉल मस्ती करते हो, वो क्या होते हैं वो कॉमेडी शो देखते हो, या फिर आप रील शॉर्ट्स देखते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, या फिर आप जेन्युइनली कुछ लर्न करते हो, ठीक है? सो मैंने कहा यार मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करूंगा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करूंगा, और इस देश के लेवल पे स्केल पर एजुकेशन को क्रिएट करूंगा। तो मैंने क्या किया आपको समझाता हूं, और आप लोग बहुत हैरान होंगे, ध्यान से समझिएगा। इनोवेशन अगर आप करना शुरू करो तो पैसा लिटरली बैठे बैठे आपकी जेब में आएगा, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, और एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। मैंने एक बिजनेस स्कूल की शुरुआत कर दी जिसका नाम है MBA प्लस बिजनेस स्कूल। MBA प्लस क्यों? मुझे नाम अच्छा लगा और कोई कारण नहीं है इसका, राइट? और MBA बिजनेस से जोड़ा जाता है लॉजिकली, इसलिए MBA प्लस, राइट? इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, जनरली ऐसा होता है ना, हम कहते हैं बिजनेस स्कूल तो कोई कैंपस होना चाहिए यार, कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जहां पे लोग आ पाए। नहीं, अरे बिल्डिंग के अंदर 1 लाख लोग कहां से आएंगे, 10 लाख लोग कहां से आएंगे, मुझे तो पूरे भारत देश को पढ़ाना है, राइट? तो कहां से आएंगे लोग, आ ही नहीं पाएंगे। तो आपको केवल इंटरनेट पर पढ़ना होगा। तो हमने भारत का नहीं दुनिया का सबसे पहला ऐसा बिजनेस स्कूल बनाया जहां पर हम केवल और केवल ऑडियो में पढ़ाते हैं। अब आप लोग हैरान हो जाओगे कि ऑडियो में कोई कैसे पढ़ सकता है। कभी आपने गाने सुने हैं, है ना? एंटरटेनमेंट होती है ना वो। जब ऑडियो में आप गाना सुन सकते हो तो आपने कभी ये क्यों नहीं सवाल किया अपने आप से, ये क्यों नहीं क्वेश्चन किया अपने आप से कि यार ऑडियो में पढ़ाई भी तो हो सकती है? हमने कभी बस सोचा नहीं इसके बारे में, है ना? मैंने सोचा और वही किया। मैंने दुनिया का सबसे पहला ऑडियो बिजनेस स्कूल शुरू किया अपनी वाइफ के साथ, जो मेरी कोफाउंडर है, और हमने हिंदी भाषा में बिजनेस पढ़ाना शुरू किया। और थ्योरी और ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं बांटता मैं, काम की बात, लिटरली काम की बात, फंडामेंटल्स, उसके बाद स्ट्रैटेजी, उसके बाद पीपल लीडरशिप, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद लेवरेज, ये हमारा पूरा कोर्स मटेरियल है। और जब पढ़ाना शुरू किया तो सबने मुझे यही बोला, भारत देश में जैसे बोलते हैं अबे चल पागल है, कौन पढ़ेगा ऑडियो में बिजनेस, सब वीडियो में पढ़ते हैं, सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, और कौन पैसा देता है इसका,
इंटरनेट पे मोबाइल फोन पे लोग बिजनेस पढ़ेंगे तुझसे? अबे जा। अब आप लोगों को आज मैं अपनी कहानी बता देता हूं। एक साल मैंने एग्जैक्टली 0 रुपया खर्च किया, और वो भी प्रूव करूंगा यहां पे, मैं कोई हवाई बातें नहीं करूंगा। 0 रुपया खर्च किया। आज हमारे बिजनेस स्कूल में दुनिया के 13 देशों से हिंदी भाषा समझने वाले इंडियंस, पाकिस्तानीज, नेपालीज, श्रीलंकन, बांग्लादेशीज, दुनिया के 13 देशों से 1300 से ज्यादा लर्नर्स हैं। लर्नर्स बोला, स्टूडेंट्स नहीं बोला, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, जिसमें एक्चुअल बिजनेस ओनर्स भी हैं जो 20-20 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू करते हैं अपना, एक्चुअल धंधा चलाने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, और वो भी हैं जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स, राइट, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, पीपल हु वांट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ अ स्टार्टअप रियली काइंड ऑफ वर्क्स, राइट। फिर मुझे एक बात समझ आई कि पारितोष यार, तू तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी तो है नहीं, मैं कोई भगवान का अवतार लेकर तो यहां पर तो उतरा नहीं धरती पे कि मुझे सब आता होगा, तो कैसे कैसे समझाऊंगा मैं, बिजनेस कैसे सिखाऊंगा लोगों को? कुछ मुझे आता है, मुझे मार्केटिंग और ग्रोथ आती है, उसमें मैं चैंपियन हूं, लेकिन बाकी चीजों में नहीं हूं, क्या करूं? तो मैंने एक बीड़ा उठाया। मैंने कहा था ना, सेवा करो तो सेवा मिलती है। तो मैंने बहुत सालों तक जब लोगों की सेवा की थी ना, जब जिसका मैं पैसा नहीं चार्ज करता था, मैं इंडस्ट्री बॉडीज को हेल्प किया करता था, संगत अच्छी बनाई थी, बहुत सारे काम किए थे, आज केवल भारत के ही नहीं, दुनिया के फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग जिनको आप टीवी में देखते हैं, वो लोग जिनको आप अखबारों में देखते हैं, वो लोग आके हमारी ऐप में गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं, और वो 15 मिनट 20 मिनट के वो रील शॉर्ट टाइप नहीं, 40 से 60 मिनट लंबे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं हमारे, ताकि डेप्थ क्रिएट हो। एक एक बिजनेस लेक्चर जो हमारी ऐप में होता है, पता है कैसे होता है? QIA, पहले सवाल करो, फिर इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप से सवाल करो, फिर एक्शन लो। और आज दुनिया के 13 देशों से 1300 से ज्यादा लोग एक भी पैसा बिना खर्च किए हमारे बिजनेस स्कूल में हैं। और आप जरा खुद सोचिए, ये पूरा का पूरा जो मैंने लेक्चर लिया अभी आपके साथ, या जो भी मैंने आपको सिखाया, इस कमरे में कितने लोग होंगे? 300-400 जो भी है नंबर, है ना? लेकिन अगर मुझे इन 400,000 लोगों को पढ़ाना हो इसी लेक्चर से, भाई मैंने समय तो लगाया ना अपना यहां पे, तो मेरा समय केवल 400 लोगों के लिए क्यों लगे? लेवरेज क्रिएट होनी चाहिए ना, 400,000, 4 करोड़, 400 करोड़ तक पहुंचनी चाहिए बात। कैसे पहुंचेगी? इंटरनेट से, है ना? हमने वही किया, हमने एक सिंपल सी मोबाइल ऐप बनाई, इंटरनेट सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, और मैंने फेसबुक पे फ्री वीडियोस डालनी शुरू की, पढ़ाना शुरू किया, सादी आसान साधारण हिंदी भाषा में, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई फैंसी कुछ नहीं, मैंने मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान कर दिया लोगों के लिए, लोगों के दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हुई। और आपको कमाल बताता हूँ, जब सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी। कैसे? आज हमारे फेसबुक पेज पे बिना कोई पैसा खर्च किए हर महीने 70,000 से 1 करोड़ मिनट व्यूज, नहीं मिनट की वीडियोस देखी जाती हैं। बहुत होता है 1 करोड़ मिनट, इट्स अ लॉट। वहां से जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं कोई एड नहीं चलाता, लोगों की तरह नहीं बोलता ये 200 रुपए का कोर्स ले लो, 400, ऑल ऑफ दैट इज नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। अगर कोई आपको शिक्षा बेच रहा है तो कभी मत लेना, शिक्षा को बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी सच अ गॉडडैम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दैट आपको नीड अंदर से क्रिएट हो, वाव यार, व्हाट अ थिंग। सर ने एक एग्जांपल लिया था, ये क्यों नहीं बोल दिया माइक्रोमैक्स, इन्होंने बोला iPhone 14। इनके सबकॉन्शियस से iPhone 14 कैसे निकला शब्द? आई टेल यू व्हाई। स्टीव जॉब्स इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एप्पल इज अ 3 गॉडडैम ट्रिलियन डॉलर कंपनी। व्हाट अ कंपनी, यू नो व्हाई? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी से समझौता नहीं किया, उन्होंने कहा आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना ना खरीदो यार, बिग डील, somebody else will, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई डिड एज वेल। आई सेड मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा, मरने से पहले इस देश को वो देके जाऊंगा विच इज द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इन इंडिया। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना इट डजेंट रियली मैटर टू मी, एंड मैं खुल के बोलता हूं इट डजेंट रियली मैटर टू मी। यू नो व्हाई? क्योंकि दुख है मुझे इस बात का कि आज हम वो देश बन चुके हैं जहां पे शुरुआत की थी ना मैंने, हर चीज को हम पैसे से तोलते हैं। आप लोगों को जाने से पहले बस मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं दिल से, जीवन दिया है भगवान ने, जो भी आप बिल्ड करोगे ना इस जीवन में, प्लीज हाईएस्ट क्वालिटी करना,
एब्सोल्यूट शीयर हाईएस्ट क्वालिटी. मैं कह रहा हूं चाहे एक चीज बनाओ, मतलब आर्ट, एक ऐसी आर्ट बनाओ जिसको बनाने में आपको 4 साल लग जाएं, लेकिन जब आपकी वो एक पेंटिंग बिके तो 40 करोड़ की बिके. वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग, बट डू इट सो राइट, डू इट सो राइट, डू इट सो राइट दैट आप जिस दिन मरो ना, आपके दिल में ना ऐसी खुशी होनी चाहिए, वाह यार पारितोष फोड़ दिया भाई, मजा आ गया यार, क्या जीके गया यार तू. That is what has to be in each one of us. It is so important. It is so important. But हम लोग पैसा बनाने और शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के चक्कर में आज यूट्यूब पे इतने सारे लोग आके बताते हैं, हाँ दो मेरे को लाख, मैं तुम्हें 10 लाख बनाना सिखाता हूं, है ना, इस स्टॉक में पैसा लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो, ऐसे पैसा बन जाएगा. नहीं बनता. अगर ऐसा ही आसान है तो एक काम करो भाई, मैं देता हूं आपको पैसा, आप एक काम करो, अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालो, उनको 4 ऑनलाइन कोर्स कराओ स्टॉक मार्केट वाले, बिठा दो स्टॉक मार्केट के सामने, भाई पैसा बनता है ना, आप ही लोग कह रहे हो तो बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो, फिर पैसा ही तो बनाना है, नौकरी क्यों करनी है, पैसा ही तो बनाना है, शौक थोड़ा है आपको नौकरी करने का, किसको यहां पे शौक है अपने बॉस की नौकरी करने का, बताओ मेरे को, किसी को नहीं है यहां पे, सब फालतू की बातें हैं. ये असलियत है, असलियत तो ये है आपको पैसा बनाना है भाई, घर की दाल रोटी चलानी है. अगर आपकी स्टॉक मार्केट से दाल रोटी चलती है तो आप एक काम करो ना, आप अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालो, बोलो बेटा ये पकड़ 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये 4 बड़े बड़े कोर्सेज कर ले भाई, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के 4 कोर्स कर ले बेटा, फिर तू देख तू स्टॉक मार्केट से खेल जाएगा अपनी पूरी जिंदगी. नहीं होता ऐसे, ये नॉनसेंस है. और इसलिए कह रहा हूं, इस देश को ये बात समझनी होगी कि बेचने की जरूरत तब पड़ती है अपने जीवन में जब आपका प्रोडक्ट उतना सॉलिड नहीं होता. स्टीव जॉब्स नेवर केम ऑन स्टेज एंड सोल्ड, ही नेवर सोल्ड. आप स्टीव जॉब्स की एक भी प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, ही नेवर सोल्ड. ही ऑलवेज सेड आई बिल्ड द ग्रेटेस्ट गॉडडैम प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू वॉन्ट इट ग्रेट, यू डोंट वॉन्ट इट, आई डोंट इवन केयर, समबडी विल वॉन्ट इट. क्योंकि मारुति खरीदने वाला भी कोई है और डिफेंडर खरीदने वाला भी कोई है, बीच में पोर्शा भी कोई खरीदेगा, ऑडी आर8 भी कोई ना कोई खरीदेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन जब तक आप लोग हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर क्वालिटी नहीं सोचोगे ना, आप लोग भीड़ का हिस्सा रहोगे, उसी भीड़ में मरते रहोगे. लिटरली आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं ये वर्ड यूज करने के लिए, लेकिन जगाना चाहता हूं आपको, मरते रहोगे. जो भीड़ आज 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, केवल 180 चुने जाते हैं, वो बार 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 लगे पड़े, पागलों की तरह लगे पड़े, क्यों यार, क्यों, क्या है, अच्छा क्या है IAS, नौकरी ही तो है, आपको चूज किया गया है इस देश को. और कितने दुख की बात है यार, अगर तुम नौकरी इतनी अच्छी कर रहे हो तो सड़कों पे गड्ढे क्यों होते हैं हर साल बारिश पे, क्यों जमता है पानी, क्यों गिरते हैं लोग, क्यों जाती है जान, क्यों नहीं पूछते ये सवाल. बट नहीं, लाल बत्ती मिल गई तो देखो सारे मीडिया वाले पहुंच जाएंगे माइक लेके, इस बच्चे ने टॉप किया, उस बच्ची ने टॉप किया, व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद दिस कंट्री यार, एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस. क्यों, आप लोगों को प्लीज ये बात समझ जाइए, आप किसी भी तबके से आते हो इस जीवन के, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, मैं रिवाइज कर रहा हूं पूरे सेशन को, हाईएस्ट क्वालिटी चीज क्रिएट करनी है, जो भी क्रिएट करें, आप मिट्टी के बर्तन क्रिएट करो, हाईएस्ट क्वालिटी करो, आप जो क्रिएट करना चाहते हो हाईएस्ट क्वालिटी करो. मैंने अपने बिजनेस स्कूल में ना, गर्व से बताता हूं, गर्व से, 1 साल हुआ है हमारे बिजनेस स्कूल को, केवल 1 साल, परसों सबीर भाटिया, मैंने नाम दिया था अब इनको थोड़ी देर पहले, सबीर भाटिया जी ने 1.5 घंटा हमारे साथ IIT दिल्ली में बैठकर गेस्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है. कौन है सबीर भाटिया, जिन्होंने अपनी कंपनी, जिनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी थी $400 मिलियन में. पारितोष ये है उनके लिए, वो वहां है, वो मेरे साथ 1.5 घंटा क्यों स्पेंड करेंगे. बाय द वे मेरे लिए किसी ने ईमेल नहीं लिखी थी उनको, मुझे किसी ने नेटवर्क कनेक्ट नहीं दिया था. मैं G20 के एक इवेंट में था जहां पर मैं सबीर से मिला, मैंने सबीर से बात की, पहली बार जीवन में सबीर से बात की, सबीर को कन्विंस किया, एंड ही सेड दैट आई थिंक यू'ड बी गुड. यू नो व्हाई डिड ही कम, एक $400 मिलियन के इंसान को मेरे जैसे इंसान के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है. बाय द वे मैं उसको क्या ही दे दूंगा यार, मैं क्या दे दूंगा उसको, कौन सा पैसा, कौन सा समय, क्या दे दूंगा उसको, उसके पास सब होगा, सारा नेटवर्क हो, जिसको चाहे कॉल करके उठा ले, राइट, मैं क्या करूंगा यार. लेकिन जब मैंने उससे बात की ना, ही रियलाइज्ड दैट MBA प्लस बिजनेस स्कूल इज ऑन टू समथिंग. दीज गाइज आर क्रिएटिंग द, आप लोगों को आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज देखे होंगे जहां पे लोग कहते हैं
हम आपको 500 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं, इतनी क्लासेस दे इतने से रुपए में, है ना? ऐसा लोग बोल, मैं नहीं बोलता, मैं कहता हूं कि मैं हर महीने सिर्फ 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके पब्लिश करता हूं, सिर्फ 3। यू नो व्हाई? हाईएस्ट क्वालिटी रिसर्च, एब्सोल्यूट शीयर गॉडडैम क्वालिटी। मतलब आप मेरे लेक्चर पे सवाल नहीं खड़े कर पाओगे कभी जीवन में। उससे पता है फायदा क्या होता है? उससे विश्वास बनता है, उससे उससे आपको भी दिल में लगता है, यार जो मैंने खरीदा, Dude, I bought the best goddamn thing for my goddamn money. I deserve this. और आपको बोलना चाहिए कि मैं अपने पैसा जहां लगाऊं, जो भी पैसा आप लगाओ, 5 रुपए लगाओ या 500 करोड़ रुपए लगाओ यार, राइट? आई शुड गेट द बेस्ट फॉर माई मनी, आई मस्ट सवाल पूछो, आई मस्ट गेट द बेस्ट फॉर माई मनी। और वो तब मिलेगा जब आप अपने बिजनेस ओनर से, अपने लीडर से सवाल करोगे। इन बड़ी बड़ी कंपनीज में जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो, जिनका आप स्टॉक होल्डर्स हो, खैर आप तो खैर स्मॉलर स्केल स्टॉक होल्डर्स होंगे, लेकिन आप इनकी AGMs में सवाल करना सीखो, तब आपको इनके लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज कम होगा, वहां आप पैसा बना पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने क्या किया, अब आपको समझाता हूं। मैंने सवाल पूछा था ना आप लोगों ने, बाय द वे अभी तक पलट के इस रूम में मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि पारितोष तू तो बार बार बोल रहा है भाई कि तूने एजुकेशन को कम कर दिया, सस्ता कर दिया, तो कहां किया, प्रूव तो कर भाई। बोलना आसान होता है, हाँ ये हुई ना बात भाई, बोलना बड़ा आसान होता है इस दुनिया में, बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन करने वाले असली तो वही बात है यार, करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, वरना रास्ता ना पो यार, बहुत आते हैं तुम्हारे ऐसे। तो अब बताता हूं क्या किया। जिस एजुकेशन के लिए आज आप लोग, और मैं खुल के कह रहा हूं ये बात, आई एम अहमदाबाद, ISB, यू गोइंग टू सम ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड, और जहां पे आप 25 लाख, 45 लाख, 50 लाख लोन लेकर दे रहे हो, मैंने पूरे एक साल तक, और पूरी ऑनेस्टी से बता रहा हूं, एक साल तक 20 जून 2023 तक, क्योंकि 20 जून 2022 को कंपनी रजिस्टर कराई थी और चालू की थी, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, 20 जून 2023 तक पूरे लाइफ टाइम के लिए MBA प्लस को हमने दिया था केवल 3,000 रुपए में लोगों को, पूरे लाइफ टाइम के लिए, कि मैं पूरे लाइफ टाइम इसमें क्लासेस पब्लिश करता रहूंगा और पूरे लाइफ टाइम केवल 3,000 रुपए में ये पूरा देश पढ़ेगा। पर उसके बाद मुझे एक लेसन मिला यार, बहुत मुश्किल लेसन मिला, इस देश ने मुझे सिखाया और दर्द हुआ। मैंने कुछ पैसा बनाया बाय द वे, ऑफ कोर्स बनाया, मतलब 1300 लोगों ने अपनी फीस दिया तो कुछ तो पैसा बनाया होगा, लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद थी कि अगर मैं वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन इस देश को दूंगा ना, लाखों लोग लेंगे, क्योंकि 3,000 रुपए हर एक के हाथ में, जब 15,000 रुपए का मोबाइल फोन हर एक के हाथ में, 3,000 रुपए हर एक के हाथ में। बाकी बात अलग है कि जिसको बहाना करना है उसको बहाने करने का बहाना मिल जाता है, जिसको काम करना है उसको काम करने का बहाना मिल जाता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे दुख पता है किस बात का हुआ यार, मैंने कहा था ना इस देश को लर्निंग चाहिए, अर्निंग चाहिए और एंटरटेनमेंट चाहिए, ये देश आज भी एंटरटेनमेंट में फंसा हुआ है। आज अगर मैं इस होटल में एक बड़ी ऑडी में आता, अपनी महंगी घड़ी पहन के आता, और शायद ये नहीं, और एक बहुत ही फैंसी सूट में आता, मेरे साथ 4 बाउंसर्स होते, तो आप लोगों के दिमाग में डिफरेंट पिक्चर क्रिएट होती, बहुत डिफरेंट पिक्चर क्रिएट होती। आप लोगों को लगता भाई बड़ा बंदा है ये, ऐसा नहीं है ये कोई, लेकिन क्यों, क्योंकि मैं आपके सामने सिर्फ ऐसी सादगी में खड़ा हो गया और मैंने आपको बता दी ये बात, तो आप लोग पता क्या करोगे, आप लोग डिस्काउंट करोगे इस बात को, डिस्काउंट करोगे इस बात को, और बाय द वे ये मेरा नुकसान नहीं करोगे, आज आप अपने परिवारों में अपने बच्चों को डिस्काउंट कर रहे हो और बच्चे अपने माँ बाप को डिस्काउंट कर रहे हैं इस बात पर। आई टेल यू हाउ, आप ये डिस्काउंट करोगे कि पारितोष वो इंसान है जिसके पास 13 साल का एक्सपीरियंस है विद सम ऑफ द फाइनेस्ट इंटरनेट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, ये वो इंसान है जिसकी स्टार्टअप इंटेल और बकली ने, हम भारत की दूसरी ऐसी कंपनी है जिसको इंटेल और बकली ने सिलिकन वैली में एक्सेलरेट किया था, मैं वो इंसान हूं जिसने टीवी में एक ऐसा शो किया है जिसको द टॉप पर्सन ऑफ दिस कंट्री ने लॉन्च किया है, और वो इंसान हूं जिसने 15,000 छोटे बिजनेस ओनर्स को कोविड के समय में पढ़ाया है, वो इंसान हूं जिसने एक ऐसा बिजनेस स्कूल बनाया जिसको पहले साल केवल 3,000 रुपए की फीस पे लॉन्च किया, अब हमने फीस थोड़ी बढ़ा दी ऑफकोर्स, लेकिन 3,000 रुपए की फीस पे लॉन्च किया। आप वो सब डिस्काउंट करोगे क्यों, क्योंकि सादगी में हो। इस देश में जब टशन दिखाओ ना, जब एंटरटेनमेंट दो तो लोगों को मजा आता है। प्लीज सर, दिस इज वेयर वी आर सो गॉडडैम रॉन्ग इन लाइफ, प्लीज स्टॉप वांटिंग एंटरटेनमेंट, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट बेची जाएगी,
आपका दिमाग खराब किया जाएगा और आप लोग फंडामेंटली अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर पता है क्या होगा, फिर सरकारें आएंगी कोई भी हो, स्कीम्स और स्कीम्स ही देंगी आपको। इट्स एज सिंपल एज दैट। सड़कों पे गड्ढे वहीं रहेंगे, आपका जीवन नहीं सुधरेगा, ये रियलिटी है। एंटरटेनमेंट छोड़ दो बस, स्टॉप एंटरटेनिंग योर गॉडडैम लाइफ। पता है क्या करो, मेरा लास्ट सवाल आपसे, इस दुनिया में ऐसा कौन सा स्टॉक है, ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा, मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, इस दुनिया में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 100% गारंटीड एक नहीं दो साल में 10 गुना रिटर्न पक्का देगा 100% गारंटी के साथ, दो साल में? ऐसा कौन सा स्टॉक है दुनिया भर में, कह रहा हूं 10, सॉरी मन का विचार, सॉरी और उसमें काम करना, ओके। ये सर आपका नाम क्या है? रौनक गुप्ता। और किसी ने यहां पे कहा इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, किसने? सर आपका नाम क्या है? हारून। तो हारून जी और रौनक जी, सबसे पहले तो दोनों के लिए बहुत जबरदस्त तालियां बजा रहे हैं, आई टेल यू व्हाई। लोग सोच में पड़ गए यार कौन सा ऐसा स्टॉक है, अबे तुम खुद वो स्टॉक हो यार। इफ यू का इमेजिन दिस, सवाल करो अपने आप से, अगर आप खुद में पैसा इन्वेस्ट करके अपने आप को दो साल में डबल नहीं कर सकते तो यहां पे कैसे करोगे? यू आर डम्ब। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं थी, 400 लोगों के रूम में दो लोगों के दिमाग की बत्ती चली, अरे मैं हूं यार वो स्टॉक। खुद में पैसा इन्वेस्ट करके अगर मैं 10 गुना नहीं कर सकता अपने आप को दो साल के अंदर, सर फिर ऐसा है, ऐसे बहुत सारे पारितोष आएंगे आपके सामने, आपको कुछ चमकाएंगे और आप बोलोगे वाह, और ये देश वैसे चलता रहेगा। बिलीव इन द फैक्ट दैट मैं खुद में पैसा इन्वेस्ट करके अपनी लर्निंग में, अपने नॉलेज में, कोई भी आप होता है स्टॉक मार्केट में, फिर अपना करियर बनाओ, आप एयरलाइंस के पायलट, आपको फिर जो करना है करो यार, राइट? लेकिन QIA, ये फ्रेमवर्क समझ आ गया, राइट? हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, दूसरी लर्निंग मिल गई। लास्ट एंड फाइनल लर्निंग ऑफ द सेशन, खुद में इन्वेस्ट कीजिए। जब आप, अगर आप खुद में इन्वेस्ट करके 10x रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते दो साल के अंदर, फिर बेकार हो यार, फिर नौकरी करो, मस्त रहो, चिल रहो, खुद भी शांत रहोगे, परिवार भी शांत रहेगा, सैलरी आती रहेगी, एक दिन नौकरी जाएगी, फिर देख लेना जो भी होगा। भाई सच्चाई है यार, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, राइट? अदरवाइज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, अगर मैं केवल इस मोबाइल, बाय द वे आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं अपनी क्लासेस कैसे बनाता हूं, ये माइक्रोफोन देख रहे हैं आप मेरे चेस्ट पे इस वक्त, एक माइक्रोफोन मेरे मोबाइल फोन पे जुड़ा हुआ है। आप कभी थिएटर पे गए होंगे, सिनेमा हॉल में डॉल्बी साउंड सुना है? डॉल्बी लिखा था, डॉल्बी साउंड है ना, 4D डॉल्बी साउंड। मैं अपने मोबाइल फोन पे क्लासेस रिकॉर्ड करता हूं डॉल्बी साउंड में। तो सोचो एक मोबाइल, बेसिक वन प्लस का फोन है ये, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं उनकी, राइट? आई मीन वन प्लस, इफ यू वांट टू पे मी 5 crores फॉर इट, ग्रेट। सो द फैक्ट इज बेसिक फोन है, मैंने बेसिक फोन में डॉल्बी की ऐप डाली हुई है, और दुनिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के पास जाता हूं, उनको इनवाइट करता हूं, वो मेरी ऐप में आके गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मुझे 3 साल के अंदर अंदर दुनिया का ग्रेटेस्ट पॉसिबल बिजनेस इंस्टीट्यूशन बनाना है, केवल सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया भर के लिए। आई होप आई एम एबल टू डू दिस, आई एम नॉट श्योर। जीवन भर के लिए केवल 20,000 रुपए की फीस पे, दैट्स व्हाट आई वांट वंस एंड फॉर ऑल। एंड आपको केवल जाने से पहले एक बात बता के जा रहा हूं बस, आई एम सॉरी बट आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी जनसंख्या है, कृपया करके अपने ऊपर एक कृपा कीजिए, मेरे ऊपर नहीं। हम लोग ना, हम वो लोग हैं जो, हम उस सभ्यता से आते हैं, हम भूल गए हैं एक्चुअली, अंग्रेजों ने बड़ी मार मारी है हमें, हम ये भूल गए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सामूहिक ताकत है। भारत एक भारत नहीं है बाय द वे, भारत बहुत सारे समूहों का गुट है, जुट है, सामूहिक ताकत हमारी बहुत बड़ी है। हम क्या करते हैं कि आज, और मैं खुल के ये बात बोलता हूं आपके सामने, आज धर्म के नाम पे अगर मैं किसी को भी इस कमरे में बोल दूं, 400-500 लोगों को बोल दूं कि ये पड़ी दान पेटी, धर्म का काम करना है, सारे दान डालेंगे, मैं भी डालता हूं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नैरेटिव इतना स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, आपको लगता है करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन
अब मेरी बात सोचना, घर जाके सोचना इसके बारे में। 400 लोग एक कमरे में, ठीक है भाई, 400 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो, 400 को 10,000 से, अरे भाई कोई मोबाइल फोन निकाल के मल्टीप्लाई कर लो यार, है क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं 40 लाख नहीं, ज्यादा होगा, 400 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 करोड़ पक्का, 40 लाख है, 4 करोड़, सही बताओ यार, 4 करोड़, ओके ग्रेट, 4 करोड़, ठीक है, 40 लाख, अच्छा फिर बहुत कम है, अच्छा ठीक है 40 लाख, बाबा प्लीज प्लीज गाइस 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 प्लीज 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 हेलो गाइस 40 लाख, ठीक है ओके। तो एक बात तो पक्की है कि 400 लोग अगर 10,000 रुपए बनाते हैं, मिलाते हैं एक एक करके, तो 40 लाख, आर यू श्योर, नहीं नहीं कम नहीं बना रहे लोग, पता नहीं, चलो जो भी है, मैथमेटिक्स सेज 40 लाख, तो इस कमरे के अंदर 40 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। अब आप इसको इंडिया स्केल पे मल्टीप्लाई करो, अगर आप कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज बना दो, आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज देके जा रहा हूं, इसको इसके बारे में जब मन करे सोचना, बट अपने आप को एक चैलेंज दो, क्या हम सब अपने भेदभाव साइड में रख के थोड़ी देर के लिए है? ये मेरा एक सपना है, अगर पूरा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा, और नहीं हुआ देखेंगे, हाँ हो सकता है कोई और करे, लेकिन ये करने के लिए सर बहुत ताकत चाहिए होगी, कोई और शायद ही कर पाए, आई टेल यू व्हाट, अपने देश में शिक्षा और चिकित्सा, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हम लोग, इट शुड नॉट बी फ्री, हम लोग क्या साथ मिलके 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोग मिलके क्या इतने बड़े फंड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक शिक्षा के लिए, एक चिकित्सा के लिए, सच दैट वी बिल्ड आवर ओन कम्युनिटी कॉलेजेस ऑनलाइन, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन द इंटरनेट एंड आवर हॉस्पिटल्स, इस चीज के बारे में सोचना, मुझे पता है ये हर एक के बस की बात नहीं होगी, आप लोग शायद फायदा भी नहीं कर पाओगे, यार ये पारितोष क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है, अगर आज अलीगढ़ में 10 लाख लोग मिलकर 10-10,000 रुपए अपनी पॉकेट से निकाल दें, तो पता नहीं कितना कैपिटल बनता होगा वो, क्या उससे एक हॉस्पिटल बन सकता है, मुझे लगता है बन सकता है, क्या उससे अपना एक बिजनेस स्कूल बन सकता है, वर्ल्ड क्लास बन सकता है, दैट्स द पॉइंट, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नैरेटिव स्ट्रांग नहीं है, क्या 10 लाख लोग अलीगढ़ के इकट्ठे मिलकर, सोचना प्लीज इसके बारे में, और इसमें कुछ नहीं है यार, क्या धर्म और क्या जाति और क्या क्या, 10 लाख लोग मिलकर अपनी जेब से 10-10,000 रुपए निकालें और फिर एक ऐसा फंड क्रिएट करें जिससे अपना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, अपना वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन राइट हियर इन अलीगढ़, एंड देन इन्वाइट द फाइनेस्ट टीचर्स, इन्वाइट द फाइनेस्ट डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू अलीगढ़, आप लोग ये कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्लीज सोचना, हु नोज, हो सकता है मेरे इस थॉट को आप में से कोई इंप्लीमेंट करे, बाय द वे ये मेरा सपना क्यों है, क्योंकि जब मैंने MBA प्लस बिजनेस स्कूल की शुरुआत की थी तो यही सोच के की थी, मेरी एक्चुअल रियलिटी क्या है बताता हूँ, वो ये है कि आज मैं ऑनेस्टली 20,000 रुपये भी नहीं लेना चाहता अपनी एजुकेशन के, मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूँ कि भारत देश की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप बनाई जाए, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की, आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, मैं एक टीचर का बेटा हूँ और मैं 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत देश के अगर करोड़ों लोग अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा भी निकाल गए ना, और मान लीजिए हो सकता है MBA प्लस वो कंपनी बने जिसको फंड किया जाए, तो हम दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं 1 साल में, दैट्स व्हाट आई रियली 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 आई एम गिविंग यू गाइस एज अ चैलेंज, थिंक अबाउट इट, और जिसका कभी मन करे ड्रॉप मी एन ईमेल, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं लिंक्डइन पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, हर जगह हूँ, आप पारितोष शर्मा के नाम से सर्च कीजिएगा, अगर आप में से कोई ऐसा चैलेंजर हुआ ना, प्लीज़ जस्ट रीच आउट टू मी, हु नोज व्हाट हैपेंस, आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि शायद हमारे आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम दोनों का मिलना था, राइट, मैंने जो दिया बहुत मन से दिया और ऐसे ही देता रहूँगा हमेशा,
आप लोग कृपया अपनी भी सेवा कीजिए, अपनी संगत की सेवा कीजिए, इस देश की सेवा कीजिए, और जो बना के जाएं इस धरती से ऐसा बना के जाएं कि आपके बच्चे और ये पूरा देश और ये धरती आप पे गर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई एम मेसमराइज्ड। मैंने ये चैट शो था बट जो जिस फ्लो में ये जा रहे थे मुझे रोकने का इंच का मन नहीं किया सर। थैंक यू सो मच फॉर आई थिंक एनलाइटनिंग, और जो आपने क्वेश्चंस रेज किए आई थिंक शायद मैं भी हैदराबाद पहुंचते पहुंचते इंट्रोस्पेक्ट करता जाऊंगा और शायद वहां पहुंच के आई विल गेट इन टच विद यू। सो अब हम करते हैं आई थिंक क्वेश्चन का राउंड। प्लीज, एब्सोल्युटली, और लोगों को पूछना है। सो रौनक जी प्लीज गो अहेड सर। Can we have mics in the audience, sir? जो आप 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, हम केवल 1 रुपए रोज देते हैं, और इस समय 450 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, वाह, और दो हॉस्पिटल भी चला रहे हैं जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए सेवा हो रही है, और होम्योपैथी की निशुल्क दवाइयां हम फ्री देते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आप रौनक जी एक काम कीजिएगा, आप ना मुझे अलग से एक ईमेल लिखिएगा ps@mbaplus.co और मुझे सिखाओ कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो। सच में मुझे सिखाओ, केवल 1 रुपए से। प्लीज मुझे ये सिखाना, प्लीज मुझे। वात्सल्य सेवा संस्थान और प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन, हम मैं उसका सचिव हूं और उसी से हम लोग ऐसा करते हैं। आप प्लीज मुझे भी सिखाइएगा और इस पूरी जनता को सिखाइएगा कि आप ऐसा क्या फाइनेंशियल मॉडल आपने बिल्ड किया है जिससे आप सस्टेन कर पा रहे हैं और स्केल कर पा रहे हैं। प्लीज आराम से सिखाइएगा, अभी नहीं, आराम से सिखाइएगा, बट फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर, दिस इज ग्रेट जॉब, ग्रेट। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पीछे एक हाथ, फिर सर आपके पास आते हैं, एक वो भी पीछे एक हाथ खड़ा हुआ है। हाँ जी, द मैन इन द ब्लैक, यस सर। सर आपने मास्टर यूनियन के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है सर, मैंने मास्टर यूनियन के बारे में भी सुना है, मीसा स्कूल के भी बारे में सुना है, आप जिसके बारे में बताएंगे उसके बारे में सुना है। आपका इंस्टीट्यूट कैसे डिफरेंट है उससे और कैसे, क्या एडवांटेज है आपके? आपको एक कमाल की बात बताता हूँ सर, ये सवाल प्लीज अपनी ईगो पे मत लीजिएगा, मेरे जवाब को 100% गलत है। आई टेल यू व्हाई। कभी भी ना जीवन में हमें ये ट्रेन किया गया है कि हम यूएसपी पूछें, हम डिफरेंस पूछें। सर मुझे लगता है दिस इज द लोएस्ट, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, दिस इज मैं आपको क्या शब्द बोलूँ, आई एम सॉरी, अगर आप मेरे दोस्त होते तो मैं एक डिफरेंट शब्द यूज़ करता, लेकिन आपका जो सवाल है सर वो स्ट्रक्चरली, जो सर ने एक वर्ड यूज़ किया था, फाउंडेशनली गलत है। आपको समझाता हूँ क्यों। जब भी आप चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं या सोचना शुरू करते हैं, राइट, तो सर कुछ नहीं हो रहा, हो क्या रहा है, आप अपने दिमाग की या अपने दिल की कहानी को ही खरीदोगे एंड में। सर एक्चुअली मैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में और जानना चाहता हूं। मैं वही कह रहा हूं आपको, एग्जैक्टली वही कह रहा हूं सर। ध्यान रखना एक बात का प्लीज, कि कभी भी एप्पल मोबाइल फोन की और कोई कंपनी बताओ, वन प्लस, सैमसंग, राइट, किसी, जब भी आपको जीवन में कुछ भी खरीदने का डिसीजन लेना होना, सर आपका नाम क्या है सर? ऋषभ, राइट। सो ऋषभ और बाकी सब लोग, जब भी कुछ भी खरीदना हो, टीवी, फ्रिज, कपड़ा, बच्चे का स्कूल, अपने लिए कॉलेज की फीस, कुछ भी खरीदना हो, नेवर आस्क दिस क्वेश्चन कि आपकी चीज दूसरे से अलग कैसे है, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। इन्होंने भी कहा तो था कि भाई अगर कंपनी के डायरेक्टर के बारे में कंपनी की वेबसाइट पर पढ़ोगे अच्छा ही बोलूंगा। सर द राइट क्वेश्चन टू आस्क हियर इज दिस, अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मैं आप ही के लिए आप ही का आंसर दूंगा, कि आपने पिछले एक साल में क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है। आप वो सवाल पूछो, जब आप वो सवाल पूछोगे तो मुझे नंबर्स देने होंगे अपने मुंह से, जब मैं नंबर्स दूंगा फिर आपके पास आपकी कहानी है। अगर आपको मेरे नंबर्स अच्छे लगे और मेरा इंपैक्ट अच्छा लगे आप आइए, और मेरा इंपैक्ट नहीं अच्छा लगे तो आप किसी और के पास जाइए, बट कभी भी कंपेयर मत कीजिए। आई टेल यू व्हाई, जब आप कंपैरिजन का सवाल करते हैं ना तो अच्छा, आप लोग ऋषभ सर के कारण मैं आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सर कैन आई टेक 2 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन? राम और रावण का नाम सुना है? नाम तो सुना होगा, है ना? अगर आज गाइस प्लीज बी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मिनट के अंदर कम्युनिकेशन की मास्टर क्लास देता हूं आज आपको, इट्स नॉट अ जोक। अगर आज मैं इस कहानी से रावण को निकाल दूं, 2 मिनट के लिए रावण को डिलीट कर दो कहानी से, बिल्कुल डिलीट कर दो, रावण है ही नहीं, ठीक है, तो श्री राम की कितनी वैल्यू है? ध्यान से सोचिए,
ओके कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम है, वेरी गुड. आप सही आंसर दे रहे हैं, देते रहिए. मैं आपको फिर आपके आपके पास आई कम टू यू. मर्यादा पुरुषोत्तम है, ओके. हाँ वेरी गुड ग्रेट. तो सो गाइस अब यहीं पे आते हैं. रावण महाज्ञानी पंडित शिव भक्त, तो उसने अगर सीता हरण किया कुछ सोच समझ के किया होगा. नो दिस इज नॉट टू लाफ अपॉन. थिंक, महाज्ञानी महापंडित जिसको ब्रह्मा जी ने शिव जी ने वरदान दिया है, कुछ सोच समझ के किया होगा भाई ने, ऐसे मन थोड़ा किया होगा उसका, आजा उठ के कर लेता हूं भाई. सीता हरण किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, कुछ तो सोचा होगा. ही वॉज रावण फॉर ऑल गॉड सेक, मतलब रावण, अरे कोई गलत कैरेक्टर नहीं था रावण, महाज्ञानी पंडित. आप अहम वहम जो भी कह लो सर, द फैक्ट इज उसने कुछ तो सोचा होगा. अहम तो उसकी फीलिंग है, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो हाँ या ना, कभी कुछ एक थॉट तो आया होगा दिमाग में भाई के, राइट? अब सोचो अगर ऐसा है तो अब क्या हुआ इस मोमेंट में. और बाय द वे यहां पे धर्म पे मत पहुंच जाना, मैं भी हिंदू हूं लेकिन वहां पे मत पहुंचना, आपकी आपकी अकल की ये बत्तियां जला रहा हूं यहां पे बैठ के. ये राम वर्सेस रावण मैंने इसलिए कॉन्वर्सेशन की ऋषभ सर आपके सवाल पे, क्योंकि जीवन में जब भी हम पूछते हैं कि अच्छा आपकी चीज अच्छी कैसे है दूसरे से, तो अगर मुझे अपने आप को बेचना हो ना, मतलब एकदम सेल करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं रावण दिखाना शुरू करूंगा आपको. क्योंकि जब आप रावण दिखाते हो राम की वैल्यू अपने आप बनती है. अगर सच बता रहा हूं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहानी है, उन्होंने जो किया उसके कारण आप मर्यादा पुरुषोत्तम को कह रहे हैं. ठीक बात है, 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने अपने पिताजी की बात मानी बिना कुछ कहे, बिल्कुल सही किया. लेकिन अगर आज रावण को इस कहानी से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, सारी नेगेटिव कहानी बाहर कर दी जाए, सो द फैक्ट इज कहानी जो बचती है वो ये है कि एक बेटे ने अपने पिता की बात मानी, विच इज ऑब्वियस. अरे पिता का गला पकड़ के थोड़ा बैठ जाता कि मैं नहीं मानता, कर ले जो उखाड़ दे, मेरा राज्य है, मैं ही करूंगा. अब उनकी स्टोरी भूल जाओ, जिसने भी आंसर दिया, किसने बोला भी है? आपका नाम क्या है सर? अभिनव. बस यहां रहना. जब भी कोई कंपनी आपको अपनी कहानी सुनाती है, कोई कंपनी आपको अपना ब्रांड बेचती है, कोई कंपनी आपको अपने बारे में बताती है, चाहे वो सैमसंग जो भी हो, मतलब आई एम नॉट टेकिंग नेम्स ऑफ कंपनीज, पता है क्या होता है, आज एक काम करना, जब इस रूम से बाहर जाओगे टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं, या कभी आप ऐसे सेशंस में आते हैं, तो क्या होता है आपके सामने हमेशा किसी भी कंपनी को अगर पावरफुली अपने आप को प्रेजेंट करना हो तो वो कंपनी अपने बारे में नहीं बोलेगी, वो आपको रावण दिखाएगी. सर तो सर मुझे पता है क्या करना है, और मुझे कॉम्पिटिटर्स नहीं दिखा रहे. नहीं, रावण तो ऑलरेडी है. मैंने आज आपको क्या दिखाया इस कमरे में, मैंने आज आपको बताया कि एजुकेशन इतनी महंगी क्यों है, वो रावण ही तो था. मैंने आपको दिखाया ऋषभ सर कि एजुकेशन इतनी महंगी क्यों है, वो रावण था. और फिर जब मैंने आपको बताया कि मैं वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन दे रहा हूं केवल 20,000 रुपए में, आप लोगों ने खुद, मैंने बोलने से तालियां नहीं बजवाई, आप लोगों ने खुद बजाई, क्योंकि जब रावण दिखाया तो राम अपने आप वैल्यू क्रिएट हो गई, राइट? इसलिए आज आप लोगों को मैंने ये चीज क्यों बताई, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस ओनर्स हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट? आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग आपके जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं. ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर पूछना है किसी से भी तो उससे पूछो तुमने इंपैक्ट क्या क्रिएट किया. ये मत पूछो कि तुम बेहतर कैसे हो, क्योंकि जब भी आप पूछोगे बेहतर कैसे हो, मेरे को तो सिर्फ रावण दिखाना है, राम तो अपने आप आ जाएंगे, श्री राम तो सामने हैं, ऑफ कोर्स रावण दिखाने की बात है बस, इट्स अ सिंपल एज दैट. और ये, और जितने दुनिया के टैक्टिकल मार्केटिंग के गुरु हैं, टैक्टिकल मार्केटिंग के गुरु, वो यही तो करते हैं. आपने कभी एक्सपेरिमेंट कर लो, कोक और पेप्सी की बॉटल से लेबल हटा लो, यहीं रख देता हूं अभी कोक पेप्सी की बोतल के लेबल हटा के, पी के मुझे बता देना कौन सी कोक है और कौन सी पेप्सी, आधे से ज्यादा लोग पहचान भी नहीं पाएंगे. लेकिन जैसे ही मैं आपके पास आऊंगा, सर आपने ये वाला ग्लास पिया, सर ज्यादा फिजी लगा आपको ये, मैं आपके दिमाग में थॉट एक डाल रहा हूं सिर्फ, सर ज्यादा फिजी लगा आपको, हाँ यार फिजी तो था, दिस वॉज गुड, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस कोक और पेप्सी? अब मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने आपके दिमाग में सिर्फ एक थॉट प्लांट कर दिया कि यार वेदर दिस वॉज फ्रिजी. अब आप अपने आप को ना प्रूव करने के लिए कि यार मैंने कुछ अच्छा ही पिया होगा भाई, कुछ तो अच्छा पिया होगा. तो वेरी गुड, यस इट वॉज, इट वॉज ग्रेट, यू नो इट हैड ऑल द फिज इन इट. और आपसे मैं पूछूंगा, आप बोलोगे यार कोक में ही फिज होती है, दिमाग में सेट है कोक में फिज होती है, कोक ही बोलोगे. हो सकता है आपने पेप्सी पी हो, दैट्स द पॉइंट. तो सर कोई भी चीज़ ऋषभ मेरे भाई जीवन में एक्चुअली अच्छी और बुरी नहीं होती, कंपेयर मत करो, इम्पैक्ट पूछो. मैं आपको अपना इम्पैक्ट क्लियरली बताता हूँ एक साल के अंदर, क्योंकि आपने पूछा. अब मैंने ट्रेनिंग दे के आपको ये बात बोली, दिस इज माई रियल इम्पैक्ट. समझाता हूँ, वैसे पढ़ाता हूँ. और रियल इम्पैक्ट ये है कि एक साल में 13 देशों से 1300 से ज़्यादा लोग आज हमसे पढ़ रहे हैं, और हर महीने 5 लाख मिनट की ऑडियो लेक्चर्स मेरी ऐप में सुने जाते हैं. अब आपको कमाल की बात बताता हूँ, वही 5 लाख मिनट अगर ये लोग रील शॉर्ट्स देख रहे होते ना, मैंने इस देश का 5 लाख मिनट बचा दिया. दैट्स माई इम्पैक्ट. और यही लोग अगर वो 5 लाख मिनट रील्स और शॉर्ट्स देख रहे होते सर, इस देश का समय वेस्ट जाता. तो मेरा सर वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है. और अगर मैं किसी से केवल 20,000 रुपये लेकर अगर वो कर पा रहा हूँ, तो मैंने फोड़ दिया लाइफ में सर. बस इतना किया और इतना ही किया और कुछ नहीं किया. थैंक यू, थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड. वाह, ये है भाई साहब जो सुन रहे हैं पढ़ के. मैं आप पे आता हूँ सर. किसी ने अभी हाथ उठाया, आपका नाम क्या है सर? शांजल. शांजल, सही बोला मैंने? अच्छा, तो शांजल साहब ने ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया. शांजल साहब, मैं आपको ना पहले एक कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज आउट ऑफ 400 पीपल यू आर वेरी प्रेजेंट इन द रूम. प्रेजेंट इन द सेंस आप अवेयर हो ऑफ, आप मेरी बातों को सुनकर सिर्फ सपनों में नहीं खोए, आप यू आर अवेयर, यू आर देयर. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत कम लोगों के अंदर ये स्किल सेट होता है. तो शांजल जी, मैंने 3,000 से 20,000 क्यों किया, समझाता हूं आपको. सेवा, मैंने एक साल जम के सेवा की कि वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल दूंगा, केवल 3,000 रुपये की फीस पे दूंगा. फिर मुझे ये बात समझ आई कि अगर वर्ल्ड क्लास बनाना है, स्टैनफर्ड और हार्वर्ड लेवल पे जाना है, तो स्टैनफर्ड ने जो और हार्वर्ड ने जो 150 साल में क्रिएट किया सर, और मुझे जेन्युइनली अगर वो 10 साल में क्रिएट करना है, तो मुझे पता है क्या चाहिए होगा. 2 ताकत चाहिए होगी. नंबर 1, एक बहुत लार्ज ऑडियंस चाहिए होगा, और फंड्स चाहिए होंगे. अब ये फंड्स कहाँ से आएंगे, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, मैं बता देता हूँ. आज जितनी भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT दिल्ली इंक्लूडेड, इन सबके पास एंडोमेंट फंड्स होते हैं. एंडोमेंट फंड्स कहाँ से होते हैं, मान लीजिए अगर मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, तो मैं IIT दिल्ली को जाकर 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपये दूंगा, और उनके एंडोमेंट फंड में पैसा लगा दूंगा. ये एंडोमेंट फंड अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. वैसे ही स्टैनफर्ड के पास $multi-billion एंडोमेंट फंड है. कौन देता है? वॉरेन बफेट्स ऑफ द वर्ल्ड. रतन टाटा जी ने, आप में से कितने लोगों को ये फैक्ट पता है या नहीं पता, श्री रतन टाटा जी, बहुत 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 इज्जत करता हूँ, और भगवान काश ऐसा मुझे मौका दे. और आज मैं बोल रहा हूँ, ये कायनात अपने आप काम करेगी कि श्री रतन टाटा जी MBA प्लस में आके अपना लेक्चर दें. टच वुड, दैट डे माइट कम वेरी सून. सो रतन टाटा जी ने MIT में, जो बॉस्टन में MIT, राइट, नॉट वो ये मणिपाल इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट. तो MIT में सर अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक पूरा स्कूल खुला हुआ है. वो यहाँ पे क्यों नहीं किया, राइट? तो मैंने फीस इसलिए बढ़ाई सर कि 3 से 20, बाय द वे 20,000 रुपये इकट्ठे नहीं देने होते आपको, मुझे ये 6 महीने में देने होते हैं. मैंने फीस क्यों बढ़ाई बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे 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 कि मैंने अपने आप को टेस्ट कर लिया एक साल की, मैं लालची नहीं हूँ. मेरा इंटेंट साफ है, दिल साफ है. लालची होता तो पहले ही 30,000 रुपये में लॉन्च करता. आपको पता कहता EMI बनवा लो, लोन ले लो, EMI बनवा लो, या 30,000 रुपये तो कौन सी बड़ी बात है, राइट? आप वो भी ले लेते शायद, हो सकता है. सो मैं फंड बनाऊंगा, और मेरा सपना क्या है वो बता देता हूं, क्योंकि आपने पूछा. कम से कम एक इतना बड़ा 1,000 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए, जो MBA प्लस के जो लोग होंगे, अपनी जो स्टार्टअप शुरू करेंगे, MBA प्लस में रहकर जो स्टार्टअप शुरू करेंगे, उनको हम 2% इंटरेस्ट पे, केवल 2% इंटरेस्ट पे लोन देंगे. लोन देंगे क्यों? क्योंकि आज बैंक आपको लोन देते हैं, लेके दिखाओ, जाओ 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 जाओ, जाओ भाई, किसी में मदद ले लो, नहीं होता. और प्राइवेट लेंडर्स लूट रहे हैं. प्राइवेट लेंडर्स 12 से 25% इंटरेस्ट पे लोन देते हैं. बहुत सारी फिनटेक ऐप्स उन्हीं में से एक है. एनीवे, छोड़ो वो उस बात को, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, सो छोड़ो. बट ये रियलिटी है. मैं क्यों 12 से 25% पे लोन दूं किसी को, अगर आज मेरे में ताकत है. यार देखो, आपने ऊपर जाना है, मैंने भी ऊपर जाना है, खाली आती जाना है, तो जेब में पैसा भर के क्या कर लोगे यार. आप यहां पे जो स्टार्टअप्स हैं, ये अगर स्टार्टअप कर रहे हैं, ये मैम अगर अपना स्टार्टअप कर रही हैं, इनको क्यों नहीं फंड करते केवल 2% इंटरेस्ट पे. और अगर मान लीजिए वो पैसा खो जाए, मान लीजिए ये फेल हो जाती हैं अपनी स्टार्टअप करते करते, मान लीजिए
राइट, दैट मैम फेल्स, तो फेल्स तो फेल्स यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी, इनोवेट तो करने दो, अरे आगे तो बढ़ने दो किसी को, हो सकता है फोड़ दें, हो सकता है एक फेलियर के बाद दूसरी चीज में कुछ कर दें यार, बट हम क्या करते हैं एज अ सोसाइटी, हम खींच देंगे इनको, हम बोलेंगे नहीं नहीं तूने यू डिड द रॉन्ग थिंग, तूने मेरा 1 करोड़ रुपए जला दिया, ठीक है। काफी बार फेल हुआ उसके बाद जाके स्टार्टअप में मिला, एवरीबॉडी डज इट सर, मेरी सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप एक्सेलरेट हुई थी, मैं फेल हुआ वहां से यार, मैं फेल होकर वापस आया हूं, सो बिग डील, व्हाट्स द प्रॉब्लम। लेकिन मैंने फीस क्यों बढ़ाई, बहुत सिंपल है सर, मैं फंड क्रिएट कर रहा हूं ताकि अपनी ही स्टार्टअप्स को उसमें से लोन दे पाऊं केवल 2% इंटरेस्ट पे। जिस दिन ये किया सर, लेंडिंग इंडस्ट्री विल गेट डिसरप्टेड, और मेरे को कोई शौक नहीं है पेपरों पे अपनी फोटो छपवाने की, मुझे शौक सिर्फ एक बात का है कि भगवान ने एक जीवन दिया यार, उस जीवन में ऐसा करके जाओ दैट दिस कंट्री चेंजेस, उम्मीदें खुलनी चाहिए लोगों की, होप्स खुलनी चाहिए लोगों की, इनको पता हो आज कि अगर आप मैम केक बेक करने की दुकान खोलना चाहती हैं और मान लीजिए आज आपको 15 लाख रुपए चाहिए, इनको पता होना चाहिए मैं 5 सेकंड के अंदर अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर स्टेज पर पिच करके अलीगढ़ में 15 लाख रुपए रेज कर सकती हूँ एट 2% इंटरेस्ट। अगर आपको आज ऐसा मिल जाए पैसा और वो भी रिस्क फ्री पैसा मिल जाए, विल यू स्टार्ट और नॉट? दैट्स द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, हम लोग नहीं करते। कितना बड़ा है 15 लाख रुपए, कितना बड़ा है 15 लाख रुपए, प्रिसाइसली। लेकिन हम क्या करेंगे, जब किसी को 15 लाख रुपए देंगे तो उसकी जान लटका देंगे एकदम, तूने मेरा पैसा खोया कैसे, आधा वैसे ही मर जाएगा वो। यार एक दूसरे को सपोर्ट करो, दैट्स हाउ यू विल इनोवेट सर। और क्योंकि ये जनता नहीं कर रही ना, इसलिए सर, इसलिए मैं कर रहा हूं, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, आई सिंसियरली वॉन्ट टू डू दिस सर। मैं सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको देखिए, आपको अगर नहीं इंटरेस्ट, इट्स ओके, आप बाहर जाके बातें कर सकते हैं, इट्स फाइन, बट कोई अगर बोल रहा है यार, इज्जत दो, इज्जत वापस मिलेगी, तो भाई को बोलने दो प्लीज। आप ये आप मेरा माइक लीजिए, कोई नहीं, मेरी आवाज बहुत तेज है। थैंक यू। इस साल जनवरी में 2023 स्टार्टिंग में हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग अपनी खुद की एक कंपनी खोलेंगे। तो मेरे दो फ्रेंड्स हैं, वो डेटा और एआई में काम करते हैं, मैं खुद फ्रंट एंड डेवलपर हूं, और मेरी एक फ्रेंड है वो एंड्रॉइड में है। अरे वेरी गुड। मेरी एक और फ्रेंड है वो डिजाइनिंग में है, ठीक है, डिजाइनिंग फॉर वेबसाइट्स एंड, मैं समझ गया, आई गेट इट। एक फ्रेंड है वो बैकएंड हैंडल कर लेता अकेला पूरा, क्या बात। तो वी थॉट कि हम 6 लोग मिलकर, हमें किसी से और किसी की नीड नहीं है, हां ऑफ कोर्स, बट हम 6 लोग मिलकर एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है, ठीक है, अलीगढ़ के अंदर बैठते हैं, ठीक है, यहां के लोकल जो हमारे सप्लायर्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स हैं, शॉर्ट, उनके साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट हम लोग कहां ले कर रहे हैं, लाइक यू सेड, फंड्स, ये लो, क्योंकि हम लोग में कोई भी इतना सेल्फ सस्टेनिंग नहीं था कि आज पूरे अलीगढ़ को जो यहां बैठा है ना, अपने दिल को टटोल लो, एक लड़का, आपकी एज क्या है सर, 25, 25 साल का एक लड़का, आप बैठ जाओ, बैठो, 25 साल का एक लड़का आज अलीगढ़ के सामने ये बोल रहा है, और मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो दिल्ली का हूँ यार, मैं तो आप लोगों के लिए तो बाहर का ही हूँ, आपके परिवार का तो हूँ नहीं, वैसे भारत का हूँ, हम एक ही परिवार है, लेकिन द फैक्ट इज दिस, मैंने इसलिए ये जानबूझ के बोली थी, मैं देखना चाहता था कितने लोग हाँ बोलेंगे मेरी बात पे। एनीवेज, 25 साल का एक लड़का आपके सामने ये बोल रहा है कि मेरे पास फुल स्टैक टीम है, मैं समझता हूँ फुल स्टैक क्या होता है, राइट, आपके पास बैक एंड है, फ्रंट एंड है, आपके पास डिज़ाइन करने के लोग हैं, ये एक कंपनी खोलना चाहते थे ताकि आपके यहाँ छोटे बिजनेस ओनर्स को, आपके यहाँ जितने भी छोटे बिजनेस ओनर्स हैं लार्जली, उनको टेक्नोलॉजी के साथ मदद कर पाएं, राइट, दैट्स द लार्जेस्ट थॉट प्रोसेस। और मेरे भाई आपको फंड की जरूरत नहीं थी, पता है इनको क्या जरूरत थी, इनको जरूरत एग्जैक्टली, इनको जरूरत थी पहले बड़े कस्टमर की, पहला कस्टमर जो इनको आके ये कहता कि दोस्त, आपका नाम सर, हर्षित, इनको आके ये कहता कि हर्षित देख मेरी बात सुन, तू मेरे लिए ये वाला सॉफ्टवेयर क्रिएट कर, ये मेरी ऐप क्रिएट कर, मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, लेकिन साथ में तेरी कंपनी में मैं 20% इक्विटी लूंगा, क्योंकि भाई मैं रिस्क ले रहा हूं ना, पेमेंट भी कर रहा हूं 20% भी, अब क्योंकि आपकी सर्विसेज कंपनी है, आप खुशी खुशी देते। और अगर ये लड़का आगे बढ़ता और ये सर्विसेज करते 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 हो सकता है अपने लाइफ साइकिल में 1 साल में या 2 साल में कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर जाता, तो आज आपके अलीगढ़ से एक और विजय शेखर शर्मा होता था, पेटीएम।
आप लोगों को गर्व होना चाहिए अबाउट विजय शेखर शर्मा. आई मीन विजय इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. और बाय द वे विजय शेखर शर्मा बहुत जल्दी MBA प्लस बिजनेस स्कूल में हमारी ऐप में गेस्ट लेक्चर देने वाले हैं बहुत ही जल्दी. राइट. सो द फैक्ट इज आपको आप लोग चैलेंज लो, ये चैलेंज लो कि कैसे अलीगढ़ में और विजय शेखर शर्मा बनाए. ये चैलेंज ले लो आज. कैसे बनाए, कितना पैसा वेस्ट होगा, क्या होगा यार, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अगर अलीगढ़ इकट्ठा हो गया तो क्या है 50 करोड़. अगर इन इन 500 लोगों को अगर आप फंड कर दो, 500 में से 2 भी आगे निकल गए, यू विल बी प्राउड एज अ सिटी. बट नहीं, हम नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसे लोग हैं ना बेचारे, फिर तरसेंगे वो, फिर ऐसी एक सेशन में आएंगे पारी तो जैसे बेकार इंसान को सुनेंगे. और ट्रस्ट मी सर, हियर्स द थॉट, राइट माई ई मेल आई डी ps@mbaplus.co. मैं सिर्फ ज्ञान नहीं बांटूंगा, मैं एक्शन लूंगा. आप मुझे ईमेल कीजिएगा प्लीज, ps पारितोष शर्मा ps@mbaplus.co. राइट अबाउट योर कंपनी टू मी. राइट. मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मेरा जो नेटवर्क है, मेरा जो कॉन्टैक्ट बेस है, राइट, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन पे मुझे हजारों लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, मैं आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में वहां शेयर करूंगा. दैट्स नंबर वन. अगर कोई ऐसा कस्टमर आपको लाके दे पाऊं जो लेट्स से आपको कोई प्रोजेक्ट देता है 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई, मैं कोई यहाँ पे कमीशन कमाने नहीं आया, दैट्स नॉनसेंस. आपका भला हो, आप आगे बढ़ो, लेकिन अपना सपना मत छोड़ना. बस सपना मत छोड़ना मेरे भाई. राइट. पैसे की तंगी के कारण मैंने अपने जीवन में बहुत सपने छोड़े हैं यार. छोड़ना मत, ट्रस्ट मी. मैं MBA प्लस नहीं छोड़ूंगा. वॉट एवर द हैक इट टेक्स, आई विल ग्रो दिस कंपनी. यू मस्ट ग्रो योर कंपनी. दोबारा प्लीज ये मत बोलना कि एंड आप लोगों में से प्लीज, अगर कोई यहाँ पे बिजनेस ओनर है, किसी को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, किसी को वेबसाइट या अच्छी ऐप की ज़रूरत है, प्लीज़ रीच आउट टू हिम. प्लीज़ डू दैट. इट विल हेल्प हिम एंड ही विल हेल्प यू इन रिटर्न. डू दैट. आप हर्षित एक बार खड़े होकर सबको दिखा दो अपना चेहरा, सो दैट पीपल कैन सॉर्ट ऑफ सी यू. फेयर एनफ. फैंटास्टिक. दैट्स द पॉइंट. दैट इज व्हाट वी नीड. थैंक यू सो मच सर. ग्रेट सर, इन द रेड शर्ट प्लीज. थैंक यू. Sure. आज से 9 साल पहले आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम इंस्पिरेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आई फाउंड अ प्रॉब्लम दैट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज एक्चुअली बिग, इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. राइट. और जहाँ भी आप जाते हैं आप एक लेबर जॉब तो मिलेगा. राइट. सो आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आई वॉज वेरी यंग, लाइक अबाउट 22, 23. सो एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग लाइक वॉट कैन आई डू. राइट. So, and I talk to people about it, like what if I make a, I come from a tech, so sure. Make a platform so that I can connect. Yeah. And then supply and demand, yes. Both, yes. So, when I was researching that, many people told me like, you know, the reason why we have labor job is because those people don't want to work. And I dropped the entire idea. No. And after years, I saw Urban Clap and I was like, what the hell? Of course. Of course, sir. What's your name? Jatin Sharma. Jatin. और Jatin के लिए और आप सभी के लिए एक चीज बोल देता हूँ. Jatin मेरे भाई, एक साल पहले मुझे भी सब लोगों ने बोला था कि ऑडियो में कौन बिजनेस पढ़ सकता है, ऑडियो में कौन सुनेगा. सर आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे लर्नर जो है ना, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो बिजनेस ओनर्स भी हैं, अपनी गाड़ी में गाने सुनने की जगह हमारी ऑडियो क्लासेस सुनते हैं. मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको वीडियो दिखा दूंगा इसकी. नेवर स्टॉप योर सेल्फ. जब इतनी छोटी उम्र होती है, हाँ, you need that kind of a guidance. I know. So the only thing which I did wrong was not to, you know, give it a try. Yeah. But what else someone can do? Like, ye age ka matter nahi hai. Like, if I am at this age right now, think about creating another platform. So what is the process? Like, how do I start? Just one, sir. Yeah. Just one, please. How do you start is QIA. सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि लेबर चौक क्यों होते हैं, अच्छा क्वेश्चन किया. फिर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए था, क्या मैं सही इंसान हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. मैं अब आपको लाइव इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं QIA फ्रेमवर्क का, ठीक है. अब आपके पास टेक की ताकत है, आपको टेक लिखना, आपको कोड करना आता है, आपको कुछ बनाना आता है, आपको पता है क्या करना चाहिए था, टेक पे मत जाओ. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक को डिसेबिलिटी मान लेते हैं क्योंकि इनको टेक आता है, हो सकता है आपको ना आता हो, मुझे ना आता हो, मुझे भी बहुत तोड़ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है. राइट. सो आपको सर क्या करना चाहिए था, मैं अगर आपकी जगह होता जतिन भाई, ओके, तो मैं लेबर चौक जाता. लेबर चौक पे मान लीजिए 50 लेबर खड़ी हुई है, 50 लेबर के पास जाके सुबह सुबह कम से कम एक महीने तक रोज जाके पूछता, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, यही सवाल करता, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो. अब वो बोलते जी काम के लिए खड़ा हूँ, मैं ईंटें लगाता हूँ, मैं सीमेंट लगाता हूँ, मैं प्लम्बर हूँ,
मैं सड़कें साफ करता हूँ, जो भी करता हूँ, मतलब वी नीड वर्क सर। लेबर चौक पे अगर वो बंदा खड़ा है तो उसको काम तो पक्का चाहिए। अब मैं पता है क्या करता सर, लिस्ट बनाता रोज कि इनको क्या काम चाहिए। एक महीने में मेरी लिस्ट लंबी हो जाती, फिर मुझे ये समझ आया था कि सबसे ज्यादा काम कौन सा है, प्लम्बिंग का है, सड़क साफ करने का है। तो मुझे ट्रेंड समझ आया था कि व्हाट इज द हाईएस्ट सप्लाई, राइट, सप्लाई प्लम्बर वहां पे ज्यादा है, रोड कारपेटिंग करने वाले ज्यादा हैं, सीमेंट लगाने वाले ज्यादा हैं, कौन। फिर मुझे क्या करना है, फिर आसान है, सोशल मीडिया पे जाओ, वीडियो बनाओ और बोलो कि मेरे पास ये चार। फिर मैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने शर्ट पहनी हुई है, मैं भी एक ऐसी शर्ट छपाता बहुत बढ़िया सी, एक्स वाई जी किसी भी ब्रांड के नाम से, वॉट एवर, एक्स वाई जी हाउस क्लीनर्स, ओके, और उन चार लड़कों को पहना देता। तुम मेरी शर्ट पहन के जाओगे, 50 रुपये पकड़ो, और चार लोगों को 50 रुपये दिए, 200 रुपये खर्चे हो गए आपके, कौन सी बड़ी बात है यार, 50 रुपये दे दिए, तुम मेरी शर्ट पहन के जाओगे, जिसके घर जाओगे या जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, जिसकी भी, अच्छे से सर्विस देना। अच्छी सर्विस दोगे, मैं 50 रुपये ऊपर से दूंगा, जो वो बंदा पे करेगा उसके ऊपर से दूंगा। अगर आपने एक महीने तक ऐसा किया होता, मैक्सिमम दिन का 200 रुपये, एक महीने का 6,000 रुपये खर्च होता आपका, सर 6,000 रुपये में आपकी स्टार्टअप बन चुकी होती। इट्स दैट सिंपल। कौन सा टेक और यार, कोई भी आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए मेरे भाई, हर बिजनेस सप्लाई और डिमांड होती है। ग्रो क्या है, सप्लाई और डिमांड, और बीच में इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। आप कहाँ रुक गए, आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं किया, उससे ट्रेंड क्रिएट करके आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं ऑफलाइन सप्लाई डिमांड क्रिएट कर सकता हूँ। हो सकता है आज आपकी कंपनी अर्बन क्लैब खरीद लेता, आई डोंट नो, ये इतना आसान था, ये इतना ही आसान था, बट सोचो आप रुक गए। मैं चार लोगों को अपनी शर्ट पहनाता और उनको घर भेजता, और फिर पता है क्या करता, जिसके घर वो जाते या जहां काम करने जाते वहां से फीडबैक भी लेता, सर मेरा लड़का आपके यहां काम करने आया था, हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस। उनको धीरे धीरे चाय पिलाता, उनको थोड़ी इंग्लिश में दो शब्द बोलने सिखा देता, उनको बोलता शेव करो, बी मोर क्लीन, अपना हेयर स्टाइल ठीक कर लो, जाओ मेरे से पैसा ले लो, अपने सैलून में जाके अपने बाल कटवा लो। सर चार लोगों की अगर आपकी टीम बन जाती ना, आपकी स्टार्टअप शुरू हो जाती वहां से, एंड देन यू बिल्ड टेक ओवर इट। टेक इज ऑलवेज सेकेंडरी, टेक इज नॉट प्राइमरी, अनलेस एंड अंटिल यू बिल्डिंग लाइक अ नेटवर्क ऑफ सॉर्ट्स, राइट। तो इतना था सर, बट यू शुड ट्राई अगेन, आई जेन्युइनली, बाय द वे, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, ये जरूरी नहीं आपको नेशन स्केल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बाय द वे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। हम लोग कई बार बहुत रोक लेते हैं अपने आप को, क्योंकि हम सोचते हैं या तो ये प्रॉब्लम कोई ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, या हम सोचते हैं यार अर्बन क्लैब ने कर तो दी प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, अगर आप लोकल लेवल पे, एक होता है हाइपर लोकल, एक होता है ग्लोकल, सो ग्लोकल इज लाइक नेशन लेवल प्रॉब्लम, हाइपर लोकल इज लाइक अलीगढ़ लेवल प्रॉब्लम। अगर आप अलीगढ़ में सर, हर घर के अंदर अलीगढ़ में आपका प्लम्बर जाए, आपका लीपा पोती करने वाला जाए, पेंट करने वाला जाए, आप करोड़पति यहां के अपने आप ही बन जाओगे बैठे बैठे, और हो सकता है अर्बन क्लैब आपकी कंपनी भी खरीद ले। इट्स नॉट अ जोक। आप अलीगढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो यार, इंडिया की मत सोचो, टेक वेक मत सोचो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और अलीगढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दो, इफ यू आर डेड पैशनेट अबाउट दिस प्रॉब्लम। बाय द वे, इंसान छोड़ता किसी बात को इसलिए क्योंकि उसका पैशन नहीं होता, वो कहते हैं यार पैसा तो यहाँ पे बन नहीं रहा, मेरे को पल्ले पड़ नहीं रहा, चल छोड़ना यार, थॉट आया छोड़ दिया, ना, या तो करो तो कुछ जान लगा के करो, क्योंकि जब सरहद पे जवान खड़ा होता है ना यार, वो सैलरी के लिए गोली नहीं खाता। सरहद पे जवान खड़ा होता है ना सर, उसको पता होता है मैं जिंदा हूं, मैं खड़ा हूं, इसलिए देश जिंदा है। तो जवान बन जाओ अपने आइडिया के लिए, अपने आइडिया के लिए ना वो सरहद का जवान बन जाओ, बोल दो मैं जब तक हूं ना, कोई फोड़ के दिखा दे, मैं ही पकड़ के उसको फोड़ूंगा। इट्स लाइक दैट, राइट। सो इफ यू स्टिल वॉन्ट टू डू इट, प्लीज डू इट, एनीवेज प्लीज गो एट एनी अदर, सो आई नो इट विल जस्ट गो ऑन, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, So I think no, I'm not. I have to go back to Delhi. Okay, of course. So, what we'll do, because काफी लोग थोड़े क्या है, वैसे थोड़े किसी का खाने का टाइम हो रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब मैं बताता हूँ सर, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिनको भी पूछना है ना भाई, पहले MBA प्लस में आओ, उसके बाद क्वेश्चन पूछो। सर, 1 minute, please. हाँ, चलिए, last 1 minute. कोई नहीं, पूछिए, सॉरी, बताइए, प्लीज जी। सर, अभी आपको, मेरा नाम अतुल है जी, अभी आपको मैंने काफी सारा सुना, मुझे काफी अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, बट शुरुआत में अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया था दैट कॉलेज इज बेस्ट ऑफ आवर टाइम। यस, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस पॉइंट, बिकॉज़ अभी आपने, आई कैन प्रूव इट, आपने बात करी थी प्रोबेबिलिटी की,
तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अवर प्रोबेबिलिटी व्हाट इज दिस एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं लूँ तो अगर आपका पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए 50% ग्रो करता है तो अगर मैं किसी से ये सवाल पूछूं कि आपके पोर्टफोलियो को उसी वैल्यू पे आने के लिए कितने परसेंट इंक्रीज करना होगा तो शायद बहुत सारे लोग इसका सही आंसर ना दे पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड आई हैव मेड माय पॉइंट सो प्लीज। I honestly have nothing to add to it, sir. आपको बस इतना ही बोलूँगा, जीवन में जब भी कोई कुछ बोले, चाहे वो पारितोष हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आप खुद हो, ध्यान रखिएगा कंटेंट से पहले आता है कॉन्टेक्स्ट। हर कहानी का कॉन्टेक्स्ट होता है। मैंने क्यों बोला था कॉलेज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने कहा था और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अच्छा मुझे अच्छे से याद रहते हैं सर, हर वो इंसान जो केवल डिग्री और डिप्लोमा लेकर नौकरी जाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए कॉलेज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन आप जैसा इंसान अगर जेन्युइनली कुछ सीख के बिल्ड कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, देन कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू बी। दैट्स अ पॉइंट। आप मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, बस हमेशा ध्यान रखिएगा 30,000 फीट की कोई स्टेटमेंट पारितोष नहीं बोलेगा, कॉन्टेक्स्ट समझ लो। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सही बिठा दोगे तो बात समझ आ जाएगी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट, यू आर राइट। और आपने जो दूसरा फैक्टर बोला, बहुत सारे लोग यहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं कर, शायद मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, बट थैंक्स फॉर सेइंग दिस। थैंक यू सो मच। अरे वाह, ऑडियो का आइडिया कैसे है सर, ये मैं लास्ट बताया था। बाय द वे, आप लोगों को पता होना चाहिए, साइंस ये प्रूव कर चुका है, साइंटिफिकली वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं कि पांच हमारी सेंसेस होते हैं, ह्यूमन सेंसेस पांच होते हैं, राइट? उसमें सबसे स्ट्रांग सेंस जो होते हैं वो ऑडियो होता है। और आप एक काम कीजिएगा, आप ये बात एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, प्लीज गो ऑन यूट्यूब, साइंटिस्ट है प्रोवन सर, चावल के दाने एक वाइब्रेटिंग प्लेट पर रख दो। ये यूट्यूब पर वीडियो है बाय द वे, प्लीज सर्च कीजिएगा, मैं शायद आपको लिंक भेज दूंगा, आई विल ट्राई सर्चिंग फॉर दिस वीडियो। जैसे ही एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे ऑडियो को चलाया जाता है ना, यू विल बी शॉक्ड, चावल के दाने अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड अपने आप एक नए डिजाइन में आ जाते हैं। मतलब रैंडम चावल के दाने आपने बिछाए हुए एक वाइब्रेटिंग प्लेट पे, जैसे ही आप साउंड की एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर लेकर आएंगे चीज को, एक चावल के दाने अपने आपको डिजाइन में रीअरेंज कर लेते हैं। इट्स मैजिकल। और इसीलिए जो लोग नेत्रहीन होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रेल? ब्रेल नहीं है, ऑडियो। दैट्स द थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रेल, ब्रेल तो भाषा है, ऑडियो, राइट? तो आज सर ऑडियो इसलिए भी क्योंकि आज नेत्रहीन लोग भी बिजनेस सीख सकते हैं हमारे स्कूल के कारण, जो वैसे नहीं सीख सकते। सो दैट्स वाई ऑडियो, बिकॉज इट्स द ग्रेटेस्ट ह्यूमन सेंस। सर अल्टीमेटली आपका कस्टमर कौन है? ह्यूमन ही तो है भाई। इन्होंने किसको ट्रेनिंग दी? ह्यूमन को ही तो ट्रेनिंग दी। तो क्योंकि इनकी आवाज में दम था, क्योंकि इनके इंटेंट में दम था, क्योंकि इनकी एनर्जी 400 लोगों तक पहुंची, इस कारण से आपने इनकी बात सुनी, हेंस ऑडियो। दैट्स इट। जो सुन नहीं सकते वो देख सकते हैं। तो हम कुछ क्लासेस ऐसी होती है जो हम वीडियो में भी लॉन्च कर रहे हैं। आप ये मुझे समझ आया इनफैक्ट बहुत समय बाद, तो अब मैं इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत अच्छे कर्म मिले और इस देश के लिए आप बहुत कुछ करें। जय हिंद। थैंक यू पारितोष, आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पारितोष। थैंक यू। मैं ना सीधे दिल से जो बोलते हैं, ना कुछ प्लास्टरिंग, ना कुछ तोड़ मरोड़, इट वॉज डायरेक्ट फ्रॉम दिल से। एंड आई एम श्योर अलीगढ़ आपको बहुत प्यार देगा और हमेशा याद रखेगा। थैंक यू एवरी वन। आईटी अरेंज है आप सबके लिए एंड 5-10 मिनट के लिए है पारितोष, इनकेस समबडी वॉन्ट्स टू, जो आई थिंक यंग लॉट है जिनको स्टार्टअप आइडियाज चाहिए, आई थिंक ही विल ट्राई टू हेल्प यू समवेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आई थिंक दिस इज द सेकेंड विजिट टू अलीगढ़, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर इंटरेक्ट करके, और आशा करते हैं कि कुछ वैल्यू एड लेके आज आप यहाँ से जा रहे हो जो आपके जीवन में कुछ काम आए। थैंक यू। और बहुत बहुत मैं ये चाहता हूँ कि आप तरक्की करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ग्रेट सेशन। Of course. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. So, आपके नाम का मतलब क्या है? शेर दिल। अरे क्या बात। Thank you so much, sir. धन्यवाद आपका। So, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग सर, बताइए सर। मैं जल्दी से एक सेकंड वो ले लूँ अपना ट्राइपॉड, बस एक मिनट दीजिए बस, सॉरी मैं यहीं पे हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड।